एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बच्चे। मैम मैंने आपसे कहना था कि मैंने वीडियो प्रेजेंटेशन जो बनाई है ना, तो वो 10 मिनट से कम की नहीं बन रही। मैं जितनी मर्जी कोशिश करूं तेज बोलने की। कोई इशू नहीं है, आप 10 मिनट्स की भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन मोर देन 10 मिनट्स की कोई ना करे, ठीक है? ओके मैम। मैम सेंड कैसे करनी है आपको, ईमेल करना है या एलएमएस का प्रॉब्लम? हाँ मुझे ईमेल करनी है अपनी वीडियो भी, और प्लस आपने जो अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई होंगी ना पीपीटीज, वो भी मुझे मेल करनी है। मैं दोनों को चेक कर। मैम लास्ट डेट क्या है लॉग बुक की? क्या बच्चे आपका क्या क्वेश्चन है? लॉग बुक सबमिट करवाने की लास्ट डेट क्या है? उसकी ना हम केस हिस्ट्रीज आज पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उसकी जो लास्ट डेट है ना वो आपके मिड से पहले पहले तक है, तो ऑलमोस्ट जुलाई का फर्स्ट वीक बनेगा, ठीक है? जब आप ऑन कैंपस आओगे ना तो आप सबमिट करवा सकते हो मुझे। लेकिन आप लोगों ने अपनी लॉग बुक्स को ना, उसका जो कंटेंट है ना वो आप लोग लिखना स्टार्ट करो उसको प्रॉपरली, ताकि आप लोगों की जब मिड स्टार्ट हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि आपकी लॉग बुक्स कंप्लीट नहीं थी या उसका वाइवा आ गया अब तो आप लोगों को ये होगा कि फिर हम इसको मेंशन कैसे करें। हिस्ट्रीज उसमें कंटेंट्स इतना ज़्यादा है, हिस्ट्रीज कैसे मेंशन करनी है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। और सारे स्टूडेंट्स जिस दिन मैं लेक्चर, आज मैं हिस्ट्री का लेक्चर दूंगी और उसमें हम देखेंगे कि हमने कैसे एज्यूम हिस्ट्रीज पेशेंट की मेंशन करनी है, तो आप लोग कोशिश करो कि आज के लेक्चर के बाद ही अपनी एक या दो या तीन हिस्ट्रीज फिल कर लो, जैसे मैं फॉर्मेट बताऊं, ताकि आप एक सैंपल भी होगा ना। मैम अब तीन से ज्यादा भी कर सकते हैं अगर? जी जी स्टूडेंट, मैं कहा थ्री से ज्यादा भी ज्यादा भी शेयर कर दूंगी, ठीक है? नहीं नहीं मैंने कहा हम खुद तीन से ज्यादा भी यानी कि फिल कर सकते हैं। आप लोगों ने फाइव ही करनी है, थ्री नहीं करनी। नहीं नहीं मैम फाइव तो करनी है, आप कह रही है ना तीन आप खुद से कर लो, दो यानी कि मैं आपके साथ केस स्टडी करूंगी, तो मैंने कहा हम तीन से ज्यादा भी खुद कर सकते हैं। आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन एक दफा पूरी क्लास को ना फॉर्मेट एक हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि हर बच्चे को वो एक पैटर्न पता चल जाए, जिसमें मैंने लास्ट टाइम भी कुछ चीजें डिस्कस की थी, इसी तरह जो है ना हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे। और मैं कोशिश ये करूंगी कि ऑलमोस्ट आपके साथ कुछ ऐसे केसेस डिस्कस कर लूं जो आप लोग मेंशन कर सको। बाकी जो स्टूडेंट्स है ना वो अपनी मर्जी से कोई भी केस हिस्ट्री आप लोगों की रिजेंबल भी कर सकती है, लेकिन कोशिश करें कि सबकी डिफरेंट ही हो, ठीक है? लाइक अगर कोई डायरिया का केस ले रहा है तो कोई जॉन्डेंस का ले ले, कोई अनिमिया का ले ले, ठीक है? कोई गैस्ट्राइटिस का ले ले, कोई अपेंडिसाइटिस का ले ले, कुछ ऐसे केसेस होंगे जो पेट होंगे, कुछ बच्चे अज्यूम भी कर सकते, ठीक है ना? क्योंकि आप वार्ड में जाओ और जब हिस्ट्रीज लो तो पेशेंट्स तो डिफरेंट वेराइटीज के होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे होते हैं, जीआईटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनमें कुछ रिस्पायरेटरी इश्यूज भी होते हैं, तो वहाँ तो हमें मल्टीपल हिस्ट्रीज एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है ना। लेकिन जब हम बाउंडेड होते हैं कि हमने ज्यूम हिस्ट्रीज लिखनी है, तो ज्यूम हिस्ट्रीज में हमारा कॉन्टेंट भी करेक्ट होना चाहिए, क्या जो हमने डायग्नोसिस बनाया है उसके अकॉर्डिंगली हमारी हिस्ट्री भी मैनेज है कि नहीं है। अब लंग कैंसर का कोई पेशेंट होगा तो अगर हम उसमें स्मोकिंग को निल कर देंगे तो फिर तो वो हमारी हिस्ट्री डिजाइन प्रॉपरली ना होगी, वो तो एग्जामिनर फिर चेकर होगा उसको पता चल जाएगा, या टीचर होगा कोई भी, तो उसको कहेगा कि स्टूडेंट को नहीं पता था इस केस का या इस केस सिनेरियो का। तो बेसिक जो आपने हिस्ट्री लिखनी है ना उस पे आपकी कमांड, आपकी बैकग्राउंड नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है? तो बच्चों आज का लेक्चर ना हमारा पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करूंगी, हमारा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ना ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। जस्ट मैंने आज आप लोगों के साथ थायराइड ग्लैंड की इंस्पेक्शन पल्पेशन उसको हम डिस्कस करेंगे, प्लस हम जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं उनकी पल्पेशन कैसे करते हैं, उनके कितने ग्रुप्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट पे हम फीड्स पे कुछ मैनिफेस्टेशन देखेंगे। क्योंकि हमने कहा था स्टार्ट में कि जब भी हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो बच्चों हम लोगों ने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अपने पेशेंट को असेस करना होगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का बच्चों मतलब ये होता है कि आपकी जो चीज पेशेंट में फर्स्ट आ रही है, लाइक अगर आपने जाकर उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाया, पेशेंट से कंसेंट लिया है, आफ्टर फॉलोइंग दैट प्रोटोकॉल आपने क्या करना है, आपने उसके फेस को इंस्पेक्ट स्टार्ट करना है, मतलब फेस की इंस्पेक्शन के लिए, फेस में आईज को, नोज को, उसके लिप्स को, टंग को,
इन सब चीजों के बाद आपने उसकी आर्म्स पे हैंड्स पे, मैंने एक बात मेंशन की थी कि जब आप आर्म्स और हैंड्स की बात करते हैं ना, जब आप अपने अपर एक्सट्रीमिटी को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं या जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, उसी वक्त आपने क्या करना होता है, पल्स रेट और पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, और रिस्पायरेटरी रेट भी हम पेशेंट का उसी टाइम लेते हैं। ऐसा नहीं कभी करना कि आपको कोई एग्जामिनर करे कि आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें पेशेंट का, और आप सारा जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके टोज, लेग्स, एब्डोमेन, सबका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद आपको अब मैंने वाइटल साइंस करनी है, तो बच्चों ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर नहीं आएगी बात, ठीक है। जब भी आपसे वाइवा के अंदर जीपीई करवाने के लिए आता है ना, तो हम उसको एक पैटर्न से फॉलो करते हैं। जब आपने आर्म्स को कर लिया, देन आप पेशेंट की नेक पे आओगे, ठीक है। हमने बेशक ये पढ़ा बाद में, लेकिन आपने जब इसको इंस्पेक्ट करने हैं अपने पेशेंट के ऊपर, तो एक ऑर्डर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आपने नेक के बाद क्या करना है, आपने एब्डोमेन, उसके एब्डोमेन को इंस्पेक्शन उसकी करनी है, फिर आपने लेग्स को चेक करना है, ठीक है, लेग्स की नॉर्मल टोन है सारा कुछ, देन आपने फीट्स पे आना है। और इसके अलावा जो मैंने साइंस बताए थे कि आपने पाम पे क्या इंस्पेक्शन करनी है, फेस पे क्या करनी है, लिप्स पे क्या करनी है, नेल की फाइंडिंग्स क्या है, फिंगर फाइंडिंग्स क्या है, ये सारा कुछ आप सबसे पहले करोगे, फीट्स की, लेग्स की, ठीक है। और एक चीज हम पढ़ेंगे कि आपने बेसिकली एब्डोमेन में आपने हेयर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करनी होती है, मेल्स और फीमेल्स, अगर फीमेल पेशेंट है और अगर कोई मेल हो या फीमेल हो स्टूडेंट, अगर उसको एक्सपोज करना है तो आपने उससे कंसेंट लेना और कवर करके उसको ना, मतलब उतना पार्ट आपने उसका अनकवर करना है जितना आपको रिक्वायर्ड है फॉर द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, और हमेशा पेशेंट से पहले कंसेंट लेना है। ये वो बात है कि अगर स्टूडेंट ये बात फॉलो नहीं करता, एग्जामिनर हर चीज सिर्फ नोट करता है ड्यूरिंग वाइवा, और खासतौर पर बच्चों जब हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं ना, उसमें आपकी जस्ट बॉडी लैंग्वेज को नोट किया जा रहा होता है कि आप स्टूडेंट क्या पेशेंट के ऊपर, पेशेंट को क्या कमांड दे रहा है, खुद क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को परफॉर्म कर रहा है, उसके स्टेप्स क्या हैं, ये सारी चीजें ना एक एग्जामिनर नोट करता है एंड देन वो आपको मार्क्स देता है। और स्टूडेंट्स कहते हैं मैम वाइवा तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं इतने आए, या मार्क्स मुझे हाईएस्ट क्यों नहीं मिले, मेरा तो एक एक क्वेश्चन ठीक था। तो बच्चों कुछ एथिक्स होते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो आपने फॉलो करने होते हैं। और मेडिकल फील्ड की ना यही सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे अगर एक डॉक्टर या एक मेडिकल स्टूडेंट अगर ये एथिक्स या प्रोटोकॉल्स फॉलो करे ना, तो बींग अ डॉक्टर भी वो अपने प्रोफेशन के साथ भी सिंसियर है, और बींग अ मेडिकल स्टूडेंट वो अपने पेशेंट्स के साथ भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने एक सीक्वेंस में उसको फॉलो करना है, चाहे हमने पढ़ा उसको उसको ऊपर नीचे करके हमने टर्म्स को कभी हैंड्स पढ़ लिया, फिंगर्स पढ़ा, लेकिन आपने इसको एक सीक्वेंस से आपने जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो उसको परफॉर्म करना है। लाइक आपने वहां पे ऐसे परफॉर्मेंस देनी है कि हाँ आप एज अ डॉक्टर और आपका पेशेंट, ठीक है, चाहे वो पेशेंट हो चाहे वो आपका वहां पे कोई जूनियर उन्होंने एज अ मॉडल बिठाया हो, बट वो आपका वहां पे रेफरेंस पेशेंट ही होगा, ठीक है। अब बच्चों हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आज के लेक्चर में हमने, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमने आज नेक को हमने बेसिकली एग्जामिनेशन नेक का करना था, तो हम थायरॉइड ग्लैंड पढ़ेंगे। बच्चों थायरॉइड में ऑब्वियसली आप नेक का जब एग्जामिनेशन करो आपने थायरॉइड इंस्पेक्ट करना होता है। हमें पता है कि थायराइड के दो लोब्स होते हैं और दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, मिडल में उनके इस्थमस होता है जो उनको कनेक्ट कर रहा होता है, और थायराइड की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन में गोइटर आता है। एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गोइटर, एंड गोइटर हैज मल्टीपल कॉजेस, ठीक है, कि पेशेंट्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, पेशेंट को कोई स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है, या फिर जनरली आजकल यंग पेशेंट्स के अंदर गोइटर बहुत ज्यादा कॉमन है। उसकी रीजन क्या है कि आपका सॉल्ट इनटेक जो है ना वो प्रॉपर नहीं होता, और गोइटर इसकी वजह बहुत कॉमन रीजन है। बच्चों इंस्पेक्शन में क्या करना है कि आपने पेशेंट से जस्ट उसकी नेक को एक्सटेंड करना है, और आपने देखना है कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है। अब आपने पेशेंट को कमांड देनी है कि पेशेंट सॉलो करे, लाइक हम पेशेंट को कहते हैं कि वो पानी का एक घूंट पी ले, ठीक है। जब पेशेंट पानी पीता है तो क्या होता है कि बच्चों अगर तो उसकी जो लेरेंजियल कार्टिलेज है, कोई भी ऐसी स्वेलिंग है, ठीक है,
अगर तो वो उसकी सॉल्विंग के साथ यानी गोइटर का अगर मैस आपको नजर आ रहा है, अगर वो मैस अलोंग विद जब वो पानी पी रहा है या कुछ खा रहा है, आपने उसे कहा है कि कुछ सोलो करो, अगर वो बच्चों मूव कर रहा है साथ, तो इट मींस कि उस पेशेंट में पॉजिटिव साइन है ये, ठीक है। हम उस पेशेंट को डायग्नोज कर देते हैं एज अ कि उसको माइल्ड गोइटर है, अगर उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर उसका साइज भी लार्ज हो रहा है, ठीक है, और वो मेडिकेशन से आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कंट्रोल भी नहीं हो रहा, तो फिर हमें फर्दर इंस्पेक्शन करवानी पड़े। नॉर्मली हम थायराइड ग्लैंड के टेस्ट करवाते हैं, T3, T4, TSH, लेकिन अगर पेशेंट आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा उसका ग्लैंड का साइज लार्ज हो गया है, अब तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो फिर डॉक्टर्स फर्दर क्या करते हैं, थायराइड स्कैन करवाते हैं। अब वो स्कैन में ना उस थायराइड ग्लैंड के ऊपर कोई सिस्ट या कोई ट्यूमर बना ना, तो फिर उसकी एनलार्जमेंट और उसकी हर चीज को देखते हैं कि उसकी डायमेंशन कितनी है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है। तो वो बेसिकली हम आफ्टर थायराइड स्कैन फिर पेशेंट को बताते हैं कि उसकी एनलार्जमेंट क्या थी या उसकी सर्जरी रिक्वायर्ड है या नहीं है। अदरवाइज हाइपोथायरायडिज्म हो या फिर हाइपरथायरायडिज्म हो, द पेशेंट इज गेटिंग क्योर्ड विद मेडिकेशन, सर्जरी की ऑलमोस्ट जरूरत नहीं पड़ती। देन बच्चों आपने इंस्पेक्शन कर ली, इंस्पेक्शन में जस्ट आपने देखना है स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है, कोई स्वेलिंग जो मूव कर रही है आपने उसको देखना है कि अगर वो सॉल्विंग के साथ आपकी जो स्वेलिंग थी या जो वो गोइटर बना हुआ था अगर वो मूव कर रहा है अलॉन्ग विद डेट, तो इट मीन्स इट इज द फर्स्ट साइन कि ये पेशेंट उसका डायग्नोस्ड है गोइटर का, ठीक है। देन आपने बच्चों क्या करना है, पैल्पेशन करनी है, आपने दोनों हैंड से अप्रोच करना है पेशेंट की फ्रंट और बैक पे, ऐसे आपने जस्ट पेशेंट को पैल्पेट करके चेक करना है। क्या चेक करना है, अपनी फिंगर से आपने अगर कोई मास है, साइज उसका, अगर कोई गोइटर यानी अगर आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर नोड्यूल्स बने हुए हैं, नोड्यूल्स होते हैं छोटे छोटे लाइक हम कहते हैं ना कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स, वो बन जाते हैं, मल्टीपल हैं, सिंगल हैं, उनकी कंसिस्टेंसी क्या है, ठीक है, वो हार्ड है या फिर वो सॉफ्ट है, मोबाइल है, और टेंडरनेस चेक करनी है, ठीक है, उसको आप ये सब कुछ पैल्पेशन पे चेक करते हो। लास्ट टाइम बच्चों मैंने आपको लिम्फ नोड्स पढ़ाए थे, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, किसी को याद है? यस मैम, यस मैम, जी बच्चों थे लिम्फ नोड्स के, क्या था उसका, हमने क्या पढ़ा था उसमें, आपने बताया था कि हम साइज कंसिस्टेंसी और टेक्सचर चेक करते हैं, उसके सिक्स ग्रुप बताए थे, सिक्स ग्रुप्स बताए थे, उसको क्या हमने बताया था तरीका के पैल्पेट करने का। मैम आपने कहा था कि पहले हम पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लेटा के उसकी आर्म को ओवरहेड रीच करेंगे ताकि हम उसकी आर्म पिट पे फिंगर्स रख के उसको फील कर सकें अलोंग द वॉल ऑफ थोरैक्स, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, किसी कोई और स्टूडेंट, मैम वो स्लाइड करेगा अगर कुछ वॉल के साथ साथ, तो इसका मतलब है कि उसके जो इनलार्ज हो रहे हैं लिम्फ नोड्स। और मैम अगर हम लोगों ने राइट एक्सिला को डायग्नोस करना है तो हम लोग लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, और अगर लेफ्ट एक्सिला को करना है तो राइट हैंड यूज करेंगे, ठीक है। और लिम्फ नोड्स के बारे में मैंने कुछ और पॉइंट्स बताए थे, जी स्टूडेंट्स, जी बच्चों, जी बच्चों, और मैंने कुछ बताया था कि उसकी हम चेक करते हैं उसका साइज, उसकी कंसिस्टेंसी, या फिर इस तरह के मैंने कुछ पॉइंट्स उसमें बताए थे, इसलिए मैंने यहाँ रिपीट करवाया कि कोई लेक्चर बच्चे पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते या जस्ट वो देख लेते हैं। मैंने फैटिक ड्रेनेज की वजह से स्वेलिंग, राइट, बेसिकली हमने चेक करनी होती है साइज, नंबर नहीं किसी ने बताया, कंसिस्टेंसी, और बच्चों मोबिलिटी किस चीज की, कि ओवरलाइंग स्ट्रक्चर से वो मास कैसे मूव कर रहा है, उसकी टेंडरनेस और डिस्चार्ज या फिर साइंस, ये सब चीजें हम चेक करते हैं। यही सेम पॉइंट बच्चों हम लोग इधर भी
पेल्पेशन पे चेक करेंगे थायरॉइड की भी, कि थायरॉइड मैसेस अगर हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं या उसको पेल्पेट कर रहे हैं तो हमने उन सब चीजों में भी यही देखना है कि वो मास किस तरह का है, बिकॉज आपको कोई भी मास बॉडी पे होगा ना तो वो आपको कैसे नजर आएगा, उसकी कंसिस्टेंसी कैसे पता चलेगी, उसकी पेल्पेशन पे पता चलेगी कि हाँ ये बॉडी के अंडरलाइन मास है, क्या वो मोबाइल है, अगर वो मोबाइल है तो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, वो टेंडर तो नहीं है ज्यादा, वो ज्यादा पेनफुल तो नहीं है, आप मोबाइल करने से पेशेंट को पेन तो नहीं हो रही उसके थ्रोट में कहीं, ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। देन आ जाता है बच्चों रेट्रोस्टर्नल थायरॉइड। अब बच्चों रेट्रोस्टर्नल जो थायरॉइड है ना, इसके लिए एक साइन होता है परबर्टन साइन। हम क्या कहते हैं कि इसमें पेशेंट से कहते हैं कि वो अपनी आर्म्स को ओवरहेड लेके जाए, अबव हिज हेड। तो क्या होता है कि पेशेंट की स्ट्राइडर होता है, ठीक है, स्ट्राइडर का मतलब है कि उसको लगेगा कि मेरे जो थ्रोट है ना उसमें कोई चीज जो है ना वो स्ट्रैंगल कर रही है, ठीक है, फंस गई है कोई चीज। फेस उसका कंजेस्टेड हो जाएगा और बिल्कुल रेड हो जाएगा, एंड नेक वेन्स बिकम डिस्टेंडेड। दिस इज कॉल्ड अ परबर्टन साइन। बच्चों ये परबर्टन साइंस जो है ना, इन सब की पिक्चर्स मैं भी आपको दिखाती हूँ कि वो क्या होता है, वो तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हमने रेट्रोस्टर्नल थायरॉइड क्या क्या मतलब है कि ये थायरॉइड में कोई प्रॉब्लम तो आ रही है, कोई मैस तो है, लेकिन एग्जैक्टली सेंटर के अंदर नहीं है, पेशेंट की आइदर साइड ऑफ द ग्लैंड पे। रेट्रो मीन्स होता है थोड़ा साइड पे करके, तो रेट्रोस्टर्नल थायरॉइड मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है, कोई नोड्यूल बना हुआ है, कोई मास है, कोई लंप है, बट कहाँ पे है, ऑन द आइदर साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। और वो जो थायरॉइड ग्लैंड की हम इंस्पेक्शन जब कर रहे होते हैं तो हम रेट्रोस्टर्नल थायरॉइड को चेक करने के लिए जो साइन करते हैं, जस्ट हम पेशेंट से कहते हैं कि वो अपनी आर्म्स को रेज करे ओवरहेड। जब पेशेंट रेज करेगा तो क्या होगा कि उसकी इतनी ज्यादा वहां पे बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि जब वो आर्म्स को रेज करेगा ना तो उसकी जितनी भी वेन्स होती है ना वो हाईली कंप्रेस्ड कर जाती हैं। जब वो वेन्स हाईली कंप्रेस्ड कर जाएंगी तो क्या होगा कि उनमें से ब्लड सप्लाई जो है ना वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई पेशेंट का जो फेस होता है ना वो कंजेस्टेड और बहुत रेड हो जाता है, और पेशेंट को स्ट्राइडर फील होगा, उसको लगेगा कि मेरे गले के अंदर कुछ ऐसा है जो ऊपर नहीं आ रहा और कुछ ऐसा नीचे नहीं जा रहा, मतलब वो अजीब सी उसकी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी। नेक्स्ट बच्चों हम ऑस्कल्टेट करके बताते हैं। हमने थायरॉइड में इंस्पेक्शन की, पेल्पेशन की, परकशन नहीं करेंगे, हम ऑस्कल्टेट करेंगे। बच्चों ऑस्कल्टेट पे भी मर्मर सुनाई देता है, ग्रूइंग। थायरॉइड ग्लैंड पे अगेन हम पेशेंट से जस्ट क्या कहेंगे कि वो अपना अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखे, ठीक है। और आपने अगेन, अब आपने उसके लिए कहाँ पर अपनी स्टेथ को प्लेस करना है, जस्ट जहां पे हैंड्स प्लेस किए ना यहाँ पे आपने अपनी स्टेथ को प्लेस करना है, ठीक है। स्टेथ को प्लेस करना है और मर्मर्स को आपने सुनना है कि आपको कैसी आवाज आ रही है, ठीक है। लेकिन आपने, उन्होंने एक बात लिखी हुई कि आपने इसे कंफ्यूज नहीं करना कि ये कैरोटिड यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि कैरोटिड आर्टरी का भी यहाँ से पैसेज होता है, तो समटाइम्स हमें कैरोटिड की पल्स या उसका मर्मर भी सुनाई देता है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे कैरोटिड मर्मर नॉर्मल हो और आप पेशेंट को कह दो कि नहीं इसका तो ये थायरॉइड का ये ब्रूई थी, तो आपने इससे उसको डिफ्रेंशिएट करना है। देन बच्चों ये हमने दो चीजें पढ़ ली, अब मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ ताकि आपको साथ ही ना इसका आइडिया हो। बच्चों थायरॉइड ग्लैंड में इंस्पेक्शन, पेल्पेशन और ऑस्कल्टेशन तीन चीजें आती हैं। जब भी आपको कोई कहे कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आपने स्टार्ट करना है और जस्ट आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन नेक का करना है, आपने थायरॉइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। थायरॉइड ग्लैंड को चेक करना है, इंस्पेक्शन करनी है, पेल्पेशन करनी है और ऑस्कल्टेशन करनी है। बच्चों ये नॉर्मल थायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है। एंटीरियर लोब होता है और पोस्टीरियर लोब होता है। ये बच्चों जो सेंट्रल एरिया ना ग्लैंड का, बच्चों सबको पिक्चर ये क्लियर है जी स्टूडेंट्स? क्लियर है सबको पिक्चर? यस मैम। कहाँ किसी को, बच्चे को जहाँ पे कुछ समझ नहीं आएगा या कोई पॉइंट क्लियर नहीं होगा वहीं पे मुझे इंटरप्ट करके बताना है कि हमें यहाँ पे पॉइंट क्लियर नहीं है। अब ये बच्चों सेंटर में इस्थमस आता है, वो दोनों लोब्स को कनेक्ट कर रहा होता है। ये आपका जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके पीछे, ग्लैंड के पीछे, दैट इज कॉल्ड द ट्रेकिया। और ट्रेकिया में जो होता है ना उसके ओपनिंग, उसको हम कहते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स इज कॉल्ड अ वॉइस बॉक्स, जहां से आपके, और वॉइस बॉक्स में आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं और बेसिकली वो क्या करते हैं, वो आपकी वॉइस प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है।
whenever the thyroid gland is enlarged, अभी हमने बात की है, तो the term is या disease is the problem is termed as goiter. हम उसे goiter कहते हैं. Simply goiter कहते हैं enlarged thyroid gland को. Patient को हमने आगे जाके कैसे label करना है कि वो hypo है या hyper है, ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, वो हम टेस्ट करवा के देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया. ठीक है बच्चों, ये है परवर्टन साइन. जस्ट हमने पेशेंट से कहना है कि वो अपने आर्म्स को अबव द हेड रेज करे. द पेशेंट फील्स क्या होगा, नेक नेक जो नेक वेन्स हैं वो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएंगी, उसका फेस रेड हो जाएगा, उसको स्ट्राइडर फील हो रहा होगा. ठीक है, क्लियर है? और बच्चों इस तरह थायरॉइड ब्रूई, थायरॉइड ब्रूई के लिए हमने ऑस्कल्टेट करना होता है ये ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर वाली सर्फेस पे. यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा लेटरली नहीं जाना नेक पर, नेक के लेटरली अगर आप जाओगे ना तो वहां पे आपकी, मैंने भी बताया था, कैरोटिड पल्स होती हैं. ठीक है, या फिर हार्ट के मर्मर्स में समटाइम्स इस तरह होता है. अब ये है कि ऑस्कल्टेशन पे बेसिकली ये हम जस्ट ऑस्कल्टेशन का आपको मेथड बताते हैं. ये जो थायरॉइड ब्रूई चेक करना या इसको डायग्नोज करना बेसिकली ये क्लिनिशियंस का काम है. क्यों, उसकी रीजन ये है कि हार्ट के सम टाइम मर्मर्स होते हैं वो रेडिएट करते हैं टुवर्ड्स द नेक. तो सम टाइम्स क्या होता है कि हार्ट मर्मर्स और यहाँ के रोटेड पल्स होती है ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो हमें समटाइम्स लगता है कि ये शायद थायरॉइड के मर्मर्स हैं, लेकिन वो थायरॉइड के नहीं होते, वो नॉर्मल होते हैं. या फिर वो हार्ट में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मर्मर्स रेडिएट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द नेक. लग ऐसे रहा होता है कि पेशेंट को कोई थायरॉइड में प्रॉब्लम, लेकिन वो नहीं होता. ठीक है, तो थायरॉइड ब्रूई की जो बच्चों एक साउंड होती है ना, वो एक स्पेसिफिक लाइक, अच्छा इंग्लिश तो बच्चों जो थायरॉइड ब्रूई ये उसकी थायरॉइड ब्रूई की एक साउंड होती है ना, वो स्पेसिफिकली एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट और एक बहुत पिच, उसमें थोड़ी पिच साउंड भी सुनाई देती है और उसमें सॉफ्ट भी आती है, वो मिक्स्ड होती है. हार्ट मर्मर्स की अपनी साउंड है, वो डायग्नोस्टिक होती है, तो वो जिन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है ना वो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अच्छा नेक्स्ट बच्चों, जो हमने टॉपिक पढ़ना है ना वो जुगलर वीनस प्रेशर को असेस करने का, बेसिकली जेवीपी को असेस करने का मेथड है. ये आपको जस्ट ना आना चाहिए, ये बेसिकली सीवीएस सिस्टम के अंदर आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर. जस्ट आप इसको एक दफा इसकी पिक्चर देख लो, ये एग्जामिनर में से वाइवा में कोई नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि हम जुगलर वीनस प्रेशर के लिए ना पेशेंट को क्या करती हैं कि उसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे और पेशेंट से कहेंगे कि वो अपना हेड टर्न कर ले एक साइड पर. जब वो अपना हेड टर्न कर लेगा एक साइड पर तो बेसिकली हमने क्या करना है कि पेशेंट के बेड को 45 डिग्री तक एलिवेट कर देना है. जब हम पेशेंट के बेड को 45 डिग्री तक एलिवेट कर देते हैं और उसे कहते हैं कि अपनी नेक को वन साइड टर्न कर दे, और राइट साइड से आपने हमेशा जुगलर वीनस प्रेशर ना हम राइट साइड से लेते हैं, बेसिकली इंटरनल कैरोटिड से ले रहे होते हैं. और जेवीपी को ये उसका जो असेस करने का ना उसका एक पूरा मेथड सीवीएस के अंदर डिटेल में दिया हुआ है, क्योंकि वो आई थिंक सो कि यहाँ पे जरूरत नहीं है बताने की, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. लेकिन जस्ट आपने दो बातें याद रखनी है कि जेवीपी को हमने असेस करना होता है, पेशेंट को हमने राइट साइड से अप्रोच करना है, उसको कहना है कि अपनी नेक को टर्न कर ले. ठीक है, आफ्टर टर्निंग द नेक आपने उसके हेड ऑफ बेड को एलिवेट कर देना है 45 डिग्री तक. और बच्चों बेसिकली ये जो जेवीपी होता है ना इसकी यहाँ पे एक साउंड सुनाई देती है, हम इसकी मेजरमेंट करते हैं कि यहां से लेकर ये जो रेड कलर की ट्रायंगल बन रही है ना यहाँ पे हम जेवीपी को असेस कर रहे होते हैं, हम बेसिकली उसकी हाइट चेक कर रहे होते हैं उसकी साउंड की. तो जेवीपी रेज्ड नॉर्मली कब आता है, कार्डिक फेलियर पेशेंट्स के अंदर. ये नॉर्मली अगर हम इसको असेस करें ना तो इसकी हाइट बहुत छोटी आएगी, यहां से लेकर यहां तक बहुत माइनर सा होगा जुगलर वीनस प्रेशर का जो उसकी हाइट है या उसका साउंड है. लेकिन कार्डिक फेलियर के पेशेंट्स के अंदर क्योंकि इंटरनल के रोटेड का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो डेट्स वाई ये जो एरिया है वो सबसे ज्यादा प्रेशर हाई होने की वजह से अपनी साउंड या अपना हाइट ज्यादा शो कर रहा होगा. ठीक है, जस्ट आपने इसमें ये बात याद रखनी है. देन बच्चों हमारे पास आ जाते हैं नेक के लिम्फ नोड्स. ये आप लोग इसकी पिक्चर देख लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे वहां से. बच्चों जो नेक लिम्फ नोड्स है ना, हमने पहले नेक में थायरॉइड की इंस्पेक्शन पढ़ ली, उसकी पेल्पेशन को चेक कर लिया. ठीक है, बैक साइड से अप्रोच कर लेंगे और परबर्डन साइन देख लिया. देन हमने देखा
कि ऑस्कल्टेशन पे हमने कैसे पेशेंट को अप्रोच करना है, थायराइड रुई याद किया और देन हमने जेवीपी को डिस्कस किया यहाँ पे। अब बच्चों हम लोग नेक में ही उसके लिम्फ नोड्स पढ़ेंगे, जैसे हमने एक्जिला में एक्जिलरी लिम्फ नोड्स को कहा था ना, इसी तरह सेम इन द सेम वे हमारी नेक में भी लिम्फ नोड्स होते हैं। बच्चों जो नेक लिम्फ नोड्स है ना, बेसिकली ये उसके पॉइंट्स हैं। ये मैंने प्रेजेंटेशन में स्लाइड इसलिए एंटर की है क्योंकि पिक्चर नहीं है आपकी बुक में, तो बच्चों को असेस हो जाए। बच्चों लिम्फ नोड्स की ना जब भी इंस्पेक्शन करने के लिए कोई भी आपको कह देना, आपने जस्ट क्या करना, आपको उस लिम्फ नोड की लोकेशन पता होनी चाहिए और आपने उसको अपने फिंगर से पल्पेट करके चेक करना। अगर तो वो लिम्फ नोड एनलार्ज्ड होगा ना, अगेन वही बात, लिम्फ नोड्स में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, उसका साइज, उसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है, उसकी टेंडरनेस, वो मोबाइल है, वो सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी है ना वो हम सारी देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट आपको उसकी लोकेशन पता हो कि ये लिम्फ नोड की लोकेशन है, ठीक है, मैंने यहाँ पैल्पेट करके चेक करना है। नाउ अगर आपको कोई भी डॉक्टर कह दे या कोई भी वाइवा एग्जामिनर कह दे आपको कि बच्चे मुझे प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स को पैल्पेट करके बताएं, आपको लोकेशन पता होगी, आप जस्ट वहां पे हैंड रखेंगे और आप पेशेंट कहेंगे कि पेशेंट के प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स नॉर्मल है, उसकी कंसिस्टेंसी भी नॉर्मल है, साइज भी नॉर्मल है, सारा कुछ। लेकिन आप तभी कहोगे ना जब आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे पैल्पेट करके बताओगे। तो बच्चों ये प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स हैं, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर, बेसिकली हमने ईयर से रिलेशन को उसके नाम रखा है, ये प्री ऑरिकुलर ऑरिकल के सामने, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ऑरिकल के पीछे। अब यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं, मतलब ग्लैंड से रिलेटेड रखा हुआ है, ये टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स होते हैं। टॉन्सिल्स के अंदर नॉर्मली डॉक्टर्स आपने अक्सर देखा होगा कि आपके ईयर के बहुत नीचे ना पेल्पेट करके चेक कर रहे होते हैं, अक्सर बच्चों का चेक करते हैं, बच्चों में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्टर्स अक्सर जो है ना वो, मैंने ऑफनली उनको देखा है, ENT स्पेशलिस्ट हो या फिजिशियन हो, वो बच्चों के ये ईयर्स के पीछे पेल्पेट करके लाजमी देखते हैं कि उनमें टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स एनलार्ज तो नहीं है। बच्चों में अगर टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स एनलार्ज होना तो बच्चों में काफी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनकी ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये टॉन्सिलर लिम्फ नोड्स ऑक्सीपिट के लेवल पर ऑक्सीपिटल, अब आप देखिए हर लिम्फ नोड्स को उसकी लोकेशन की बेस पे उन्होंने नेमिंग की हुई है। देन बच्चों सब मेंटल, मेंटल के बिल्कुल नीचे ये, ठीक है, ये सब मेंटल, ये सुपीरियर सुपरफिशियल या सुपीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को कहते हैं, यहीं पे नीचे इंफीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी होते हैं, यहाँ पर उन्होंने डायग्राम में शो नहीं किए हुए। और बच्चों मैंडिबल के बिल्कुल नीचे सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, हम एग्जैक्ट इन लिम्फ नोड्स के एरियाज पे उनको पैल्पेट करके चेक करेंगे और जो जो मैंने बताया वी पॉइंट्स, कंसिस्टेंसी, साइज, नंबर, उनकी टेंडरनेस, उनका मोबाइल, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखते होते हैं, ठीक है। आपने ये पॉइंट्स अपने माइंड में क्लियर रखने हैं। देन बच्चों इसी तरह ग्रोइन एरिया की जो लिम्फ नोड्स है ना, ये एक ऐसी डायग्राम है जिसमें उन्होंने बेसिकली इसको थोड़ा सा हम साइज में इंक्रीज कर देते हैं, बच्चों ये बेसिकली जो आपके है ना ये ग्रोइन एरिया के लिम्फ नोड्स है। जस्ट आप क्या करते हो कि अबव द थाई और जस्ट बिलो द आपका जो ये राइट आईलिड फोसा का पॉइंट बनता है ना, यहाँ पे आप पेशेंट के पैल्पेट करके चेक करोगे। अगर तो आपको वहां पे कोई मैसेज फील हो रहा है ना, इट मीन्स कि ग्रोइन एरिया के लिम्फ नोड्स आपके एनलार्ज्ड हुए हैं। और बच्चों ग्रोइन एरिया के लिम्फ नोड्स जिन पेशेंट्स में एनलार्ज्ड होते हैं ना, उनमें उनके लोअर एक्सट्रीमिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक उनमें एडिमा हो जाता है, उनमें सिग्निफिकेंट एडिमा, उनके उनके फीट स्वेलन होंगे हर वक्त, उनको जो फीट्स पे एडिमा रहेगा, या फिर ये होगा कि उनकी लेग्स में एडिमा बहुत सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि उनकी ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो। लेकिन हमने पैल्पेट करके चेक करना होता है ग्रोइन एरिया के, और हम दोनों साइड्स पे चेक करेंगे। इन द सेम वे अगर हम नेक पे भी चेक कर रहे हैं, जो मैंने अभी सारे बताए हैं, हम सेम साइड दोनों साइड्स पे चेक करेंगे। अगर हमने सारे लिम्फ नोड्स यहाँ पे चेक किए हैं तो हमने सेकेंड साइड पे भी बॉडी की सेम पैल्पेशन करके चेक करना है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे कॉलर बोन के कुछ होते हैं और आर्म पिट्स के वही हैं जो हमने एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की बात की। जब भी आपको लिम्फ नोड्स की, सिर्फ कोई एग्जामिनर ये कहता है कि आपने लिम्फ नोड्स की इंस्पेक्शन करनी है, जस्ट आपको लिम्फ नोड्स के नाम पता होने चाहिए, उनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए, जस्ट यू हैव टू पैल्पेट दीज लिम्फ नोड्स, आपने उनको बता देना कि ये नॉर्मल है। या अगर कोई आपको मैथ्स अगर
फील होगा तो आपने बता देना कि इस लिम्फ नोड में मुझे ये मैस फील हो, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई बात समझ में आई हो या कोई प्रॉब्लम हो, जी बच्चों क्लियर है सबसे सबको? यस मैम। किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं होता कि बहुत ज्यादा हम पढ़ लेते हैं या हमें समझ नहीं आ रहा होता ड्यूरिंग लेक्चर, पिक्चर्स क्लियर होती हैं? यस मैम क्लियर होता है सब कुछ, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट आ जाता है फील्ड्स। अब आपने लास्ट पे फील्ड्स को इंस्पेक्शन करनी है। आई थिंक सो कि हमने जब हैंड्स की इंस्पेक्शन कर ली होती है ना और फिंगर्स की, तो फील्ड्स को इंस्पेक्ट करना, तो फील्ड्स और हैंड्स के ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है। जस्ट आपने फील्ड्स पे एक चीज चेक करनी है, एडिमा, दैट इज वेरी कॉमन। मैंने बताया था कि जो पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा है, अब आप देखो कि हमारे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जो चीजें हमने पढ़ी थी हमारी यूज हो रही है। साइनोसिस हम देख रहे हैं फेस के ऊपर, बाकी सारे एरियाज पे जहां जहां हमें लग रहा है कि पेरिफेरल हो सकती है, हम वहां वहां जहां जहां जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें ना, वहां वहां हम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन देखते जाएंगे। पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा को मैंने चेक करने का मेथड बताया था, कोई बच्चा बताएगा मुझे? मैम अगर पिटिंग एडिमा को हम लोग प्रेस करते हैं तो वहां पे इंडेंटेशन हो जाती है, लेकिन नॉन पिटिंग एडिमा में इंडेंटेशन नहीं होती। एडिमा वाले एरिया को प्रेस करते हैं ना, मैं बताऊं? जी जी मैम, अगर जैसे उसके फुट पे एडिमा हुआ तो हम उसे प्रेस करेंगे ना, तो वो एक मतलब गरहा टाइप सा बन जाएगा, और नॉन पिटिंग में वो नॉर्मल सरफेस रहेगी। ठीक है, और कोई बच्चा इसमें पॉइंट ऐड करना चाहता हो पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा में? जी स्टूडेंट्स, अब बच्चों आप लोगों ने जब फील्ड्स की इंस्पेक्शन करनी है ना, या जब फील्ड्स का जनरल हम अब पूरा एग्जामिनेशन हमने कर लिया, अब हम फील्ड्स पे आ गए हैं। फील्ड्स पे आपने एडिमा चेक करना है सबसे पहले, पिटिंग एंड नॉन पिटिंग। आपने एग्जामिनर को बताना हो, जब आप, मैंने कहा था जब हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है, एक सीक्वेंस में करना है, बट जब आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को, आपको एग्जामिनर कहते हैं कि आपने मुझे बताना नहीं है, आपने सिर्फ उसका टेम्पलेट राइट करना है बच्चों, तब भी हमने एक सीक्वेंस में उसको राइट करना। ऐसा ना हो कि आप लोग एग्जाम में जाकर उसको राइट करने लगो, फीट्स की सबसे पहले ऊपर लिख दो, उसके बाद आप फिंगर्स की लिख दो, देन आप एब्डोमेन की लिख दो, लास्ट पे आप फेस की लिख दो, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले आपने पेशेंट का बायोडाटा लिखना, जो हमने टेम्पलेट पढ़ा था ना उसको आज हम दोबारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमने आज लेक्चर कंप्लीट कर लिया अपना, वो टेम्पलेट वाला जो हम इतने दिनों से उस पे एक एक कंपोनेंट को हम पढ़ रहे थे, आज वो लेक्चर कंप्लीट हो गया और आज आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम हिस्ट्रीज पे मतलब करेंगे कि हम हिस्ट्रीज कैसे लिखेंगे, केसेस कैसे डिजाइन करेंगे, वो सारा मैं आपको बताऊंगी, और हम कुछ टॉपिक्स को रिवाइज भी करेंगे, आपके जो प्रेजेंटेशन टॉपिक्स है उनको भी डिस्कस कर लेंगे एक दफा लेक्चर में, ताकि आप लोगों को चीजें जितनी ज्यादा क्लियर होंगी ना, और जितनी बार बच्चों चीजें रिवाइज होती है ना, उतने आपके पॉइंट्स क्लियर होते जाते हैं हर बार जब भी आप टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है। मेरी मैक्सिमम ये कोशिश है कि आपके इस पूरे चैप्टर में से जो आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है एससीपी 2 का, उसमें से कोई चीज स्किप ना हो, आपसे एग्जामिनर कहीं से भी कोई मतलब अगर डिमार्केटेड क्वेश्चन भी पूछ ले, लाइक जो स्टूडेंट सब आंसर्स ठीक दे रहे होते हैं ना, तो एग्जामिनर उस स्टूडेंट को डिमार्केशन के लिए यानी उसको ज्यादा मार्क्स देने के लिए उससे एक ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है जो आउट ऑफ डोमेन होता है। आउट ऑफ डोमेन का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कॉन्सेप्ट वाइज होता है। तो मेरे ख्याल से कि हमने लेक्चर में हर एक बात को ऐसे कवर किया है कि वो मतलब आप लोगों से कोई भी कुछ पूछ लेगा तो आप लोग आंसर दे सकते हो। जी बच्चों मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? अब बच्चों हमने क्लबिंग चेक करनी है, अगेन यही क्लबिंग की पिक्चर, ठीक है, नेल्स की हमने क्लबिंग चेक करनी है। कोइलोनाइकिया क्या था? व्हाट इज कोइलोनाइकिया? स्पून शेप नेल्स, ठीक है बच्चों, ये बेसिकली ये स्पून शेप नेल्स हैं, कोइलोनाइकिया की पिक्चर है, ठीक है। ये बेसिकली एडिमा को शो करवाया था, ये बच्चों बेसिकली साइनोसिस है, और ये आपको एक ना ब्राइट सी ना एक पिक्चर है
बेसिकली ये ब्लू ब्लूइश ब्लूइश हुए हैं उसके ना पेशेंट के जो टोज हैं वो, और ये आपको थोड़ा सा शाइनी एरिया नजर आ रहा होगा उसकी बेसिकली जो ये टार्सल्स का लेवल है ना, ये आपको थोड़ा सा शाइनी नजर आ रहा है ना बच्चों, इसे कहते हैं शाइनी। ये जो शाइनी स्किन होती है ना ये नॉर्मल स्किन नहीं होती, ये आर्टेरियल डिजीज की वजह से डिवेलप हो रही होती है। तो पेशेंट और पेशेंट को अब ये देखें शाइनी स्किन भी है और साथ उसके टोज के ऊपर ब्लूइश अपीयरेंस भी है, तो इट मींस कि उसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिसऑर्डर हुआ है, कोई मसला उसको बैक पे कोई उसकी या तो ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके लिम्फ नोड्स में प्रॉब्लम है या फिर उसको कोई आर्टेरियल डिसीज। तो आप देखिए कि आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जो साइंस पेशेंट में हमें नजर आ रहे हैं ना वो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिम्टम एंड साइन? मैम सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट खुद बताता है और जो साइंस होते हैं वो डॉक्टर देखता है, डॉक्टर सिम्टम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव है और साइंस सब्जेक्टिव है। सिम्टम्स की क्या एग्जांपल है? जैसे पेशेंट आके कहेगा कि मुझे यहाँ पे पेन है या फिर ठीक है मैं उसका क्या होगा फीवर है, वो सिम्टम होगा और जो डॉक्टर देखेगा वो साइन है, फॉर एग्जांपल कि ब्लू हो रही है स्किन, येलो हो रही है या इसकी नेल्स नहीं थी, लाइक एडिमा है उसकी बॉडी पे, वो डॉक्टर ने असेस किया जब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करा था। और इसी तरह साइनोसिस है, पेशेंट आपको कभी नहीं बताएगा कि मुझे साइनोसिस है, साइनोसिस इज अ साइन। पैलर जिस तरह आपने कहा है कलर चेंज, इट इज अ साइन। ठीक है, कोई भी आपसे एग्जाम्पल पूछे ना तो आपने किसी भी टर्मिनोलॉजी के दो से तीन एग्जाम्पल्स अपने जहन में लास्ट किए। सिम्टम में आपने बताया कि पेशेंट को पेन आ सकता है, फीवर आ सकता है, ठीक है, हाँ पेशेंट पल्स रेट ज्यादा, पल्स रेट इंक्रीज हुई है वो, ये भी आपको कह सकता है। अब डॉक्टर को जब तक वो असेस नहीं करेगा तब तक नहीं बदलेगा, ये साइन नहीं है। पल्स रेट इंक्रीज जस्ट पेशेंट को फील हो रही है, वो सारी चीजें जो पेशेंट को सिर्फ फील हो रही है दैट इज द बेसिकली सिम्टम्स, वो हम सिम्टम्स की कैटेगरी में उनको लेते हैं। वो सारी चीजें जो आप असेस कर रहे हो जस्ट पेशेंट को व्यू करने से या फिर आपको उसके बॉडी पे अपीयरेंस से नजर आ रहा है दैट आर साइंस। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सिम्टम एंड साइन। ठीक है, अच्छा अब बच्चों ये हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट, अब हम एक दफा देख लेते हैं कि हमारे पास टेम्पलेट क्या थी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। ये बच्चों हमारे पास एक टेम्पलेट थी, ये सबके साथ स्क्रीन शेयर हो गई है? यस मैम। बच्चों टेम्पलेट टू राइट आउट द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट, सबसे पहले हम उसका नेम लिखते हैं, ठीक है, देन एज, जेंडर, DOA इज डेट ऑफ एडमिशन इनटू द हॉस्पिटल। ठीक है, अब बच्चों अब आपने देखा कि सबसे पहले हमने नेम मेंशन किया पेशेंट का, उसकी एज बताइए, उसका जेंडर बताया है, उसका डेट ऑफ एडमिशन बताया, ठीक है, हमने एक ऑर्डर में लेके चले, देन हमने जनरल फिजिकल अपीयरेंस की बात की है, बट पेशेंट आपका आया आपके पास तो उसकी अपीयरेंस क्या थी, उसकी फिजिक क्या थी, कॉन्शियस था कि नहीं था, पोस्टर और एटीट्यूड में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो पोस्टर रिलेटेड होती हैं। आपको जस्ट ऑन एग्जामिनिंग द पेशेंट आप देख लेते हो कि पेशेंट को तो पार्किंसंस का प्रॉब्लम है क्योंकि वो ऐसे पोस्टर के साथ चल रहे हैं, या फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हमने पढ़ा भी था कि कुछ पेशेंट्स होते हैं कि वो स्लाइटली कर्व्ड होकर बैठते हैं, जब वो सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ऐसे पेशेंट्स का भी हमें असेस हो जाता है। तो ये बेसिकली पोस्टर। देन बच्चों हम वाइटल साइंस की तरफ आते हैं, ये जो वाइटल साइंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल साइंस को सबसे टॉप पे रखो। आपका कोई पेशेंट आपके पास आईसीयू में आया सबसे पहले क्या करते हैं, आईसीयू में पेशेंट का सबसे पहले हम वाइटल्स चेक कर रहे होते हैं, हम इवन उसका नाम भी नहीं देखते कि उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, हम कुछ भी नहीं देखते, जस्ट
हम गो करते हैं टू द वाइटल्स, अब पेशेंट के वाइटल्स में. कभी आप लोगों ने अगर इमरजेंसीज देखी हो तो इमरजेंसीज के अंदर ऐसे ही होता है, पेशेंट आया उसके वाइटल्स चेक कर रहे होते हैं कि पेशेंट वाइटली स्टेबल है या नहीं है. बिकॉज बच्चों आपका पेशेंट इफ ही और शी इज नॉट वाइटली स्टेबल तो आपका बाकी सारी चीजों का तो कोई मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं. तो आपने सबसे पहले पेशेंट के वाइटल साइंस देखने, उसका पल्स रेट, उसका ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर और उसका रेस्पिरेटरी रेट. कुछ लोग ये कहते हैं कि पेन जो है ना वो आपका फिफ्थ वाइटल साइन है. अगर आपसे वाइवा में कोई पूछे ना कि फोर वाइटल साइंस तो आपने पढ़े हैं बट विच इज द फिफ्थ वन, आप लोगों ने हमेशा यही आंसर करना है कि पेन. पेन आपका फिफ्थ वाइटल साइन है बिकॉज पेन बच्चों वो एलिमेंट होता है जो पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर आता है. और पेन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. अगर ये ना हो तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है. बेसिकली पेन होती है तो पता चलता है कि अच्छा डॉक्टर के पास जाना है, ये प्रॉब्लम है या ये कुछ है. दैट्स वाई जो कैंसर्स हैं या ट्यूमर्स हैं पेनलेस होते हैं ना, पता ही नहीं चलता. स्टेज थ्री पे चले जाते हैं, स्टेज फोर में पेशेंट चला जाता है, फिर डायग्नोज होता जाता. तो पेन अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द, अब इसको कंसिडर किया जाता है फिफ्थ वाइटल साइन. अगर आपसे वाइवा में कोई आउट ऑफ डोमेन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि आपका फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, तो आपने कहना है कि पेन. ठीक है. देन बच्चों हम आएंगे फेस की तरफ. फेस में हम सिमेट्री चेक करते हैं. ठीक है, हमने बात की थी मून लाइक फेस एक्सप्रेशन लाइक. कलर ऑफ स्किन अगेन बात, पैलर चेक करेंगे, स्क्लेरा का कलर चेक करेंगे जॉन्डेंस के लिए बच्चों, लोअर कंजक्टिवा का कलर चेक करेंगे. ठीक है, लिप्स का कलर चेक करेंगे साइनोसिस के लिए. साइनोसिस चेक कर रहे हैं, सेंट्रल है पेरिफ्रल है, जॉन्डेंस को देख लिया, पैलर को, पेरी ऑर्बिटल एडीमा, आईज के अराउंड एडीमा तो नहीं है. मैंने कहा था पेरी ऑर्बिटल एडीमा किस कंडीशन में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट आता है, किडनी डिजीज में. वेरी गुड, किडनी डिजीज में बच्चों जो पेरी ऑर्बिटल एडीमा इट इज वेरी सिग्निफिकेंट. पेशेंट को कोई रीनल फेलियर है, कोई किडनी की डिसऑर्डर है, डायलिसिस का पेशेंट है, उसमें बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है. और उसकी आईज के राउंड जब स्वेलिंग होती है ना, आप पेशेंट को देखते सारी पता उसका पता चल जाएगा स्टेटस कि पेशेंट इज हैविंग एनी इशू विद हिज और हर किडनी. ठीक है, प्रोप्टोसिस ये क्या था बच्चों? बच्चों इसी तरह हम स्किन रैशेस चेक करते हैं. मैंने बताया था स्किन रैशेस कौन कौन से होते हैं, ये क्लास पार्टिसिपेशन के भी ना मार्क्स हैं. तो मलीहा महनूर और एक और स्टूडेंट है, ये तीन बच्चे जो है ना नतालिया, ये तीन बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेसिकली आज की क्लास में जो मैंने पूछा है कि जो मैंने पढ़ाया था. तो बाकी सब स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बच्चों जो आता है ना जैसा भी आता है पार्टिसिपेशन, ये बिल्कुल एक ऑनलाइन लेक्चर भी आपकी फिजिकल क्लासरूम लाइक लेक्चर होता है जिसमें सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना तो आपकी क्लास की ही वो मतलब हेल्दी क्लास वही होती है, आप उससे कुछ गेन करके जाओ. जी बच्चों स्किन रैशेस में एक ने बच्ची ने बताया कि मैलर रैश है, और हमने रैशेस पढ़े थे टाइप्स. बटरफ्लाई रैश पढ़ा था आपने, कहा था एसएलई में होता है, एसएलई में आता है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस के अंदर व्हिच इज द ऑटो इम्यून डिजीज. ओके, पेरोटिड ग्लैंड में हमने क्या पढ़ा था मैम? ये जो उसकी चिन के नीचे एरिया होता है वो स्वेल हो जाता है. ठीक है, फिर माउथ में हमने टीथ हाइजीन पढ़ी थी. टंग का हमने, टंग के बारे में तो काफी आई थिंक सो के हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, पढ़ा था कि वो वाइट हो जाती है, उस पे अल्सर्स बन जाते हैं. ठीक है, और स्ट्रॉबेरी लाइक टंग किन किन केसेस में थी? रेडिश टंग, विटामिन की डेफिशिएंसी जिसमें होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी. गुड, अनदर रीजन?
जी बच्चों कोई बात नहीं, आप लोग गलत बोलो लेकिन एटलीस्ट क्लास में पार्टिसिपेट जो स्टूडेंट कर रहा है ना उसको मेरी तरफ से आज की क्लास में 10/10 पार्टिसिपेशन मार्क्स हैं। बेशक गलत बोलो बट क्लास पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी, कुछ ना कुछ तो गेन आपको होगा ना। गलत बोलो लेकिन कोई इसमें इशू नहीं है, आप अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं। मैम स्कारलेट फीवर में भी रेड मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस जब हो जाती है। कैंकर क्या था? ओरल कैंकर भी मैंने कुछ पढ़ा था। कैंकर सोर्स है मैम, सोर्स। कैंकर सोर्स होते हैं ठीक है, लिप्स पे बन जाते हैं और उसकी रीजंस क्या होती है? मैम सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा खाने की वजह से होते हैं ठीक है। अनदर रीजन स्पाइसी फूड्स थे या कोई डेंटल हाइजीन आपकी प्रॉपर नहीं हुई ठीक है। मैम जिन्होंने ब्रेसेस लगाए होते हैं यानी जिनके ब्रेसेस लगाए होते हैं गुड ठीक है। बच्चों हैंड्स में नेल्स पे ये मेरे ख्याल से मैंने इसकी मैनिफेस्टेशन अच्छा क्लबिंग दिया उसमें। नेल्स पे बच्चों क्लबिंग क्या होता है? सबसे वाइवा का ये फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स को क्लोजेस्ट एंगल बिटवीन नेल बेड एंड हेलो तमाम नेल बेड में नेल के बेस अपसाइड डाउन स्क्रैमत विंडो नहीं बनती मैम ठीक है। इसके लिए साइन पढ़ा था हमने, टेस्ट पढ़े थे हमने मैम। पेपर मेथड होता है, पेपर मेथड विंडो मेथड स्क्रैमत विंडो भी बनती और पेपर मेथड भी पढ़ा था हमने। यस मैम ठीक है। पेपर मेथड में हमने क्या किया था मैम? वो साइड रख के ना साइड से देखते थे, एक हॉल नजर आता था। हॉल बने तो वो नॉर्मल है, अगर हॉल ना बने तो वो अबनॉर्मल है ठीक है गुड। अच्छा कॉइलो ने किया, स्पून शेप नेल्स किन कंडीशन में बनते हैं मैम? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक है। व्हाट आर द स्प्लिंटर हेमरेजेस? इसमें हेमरेजिक स्प्लिट्स बन जाते हैं, वर्टिकल हेमोरेजिक लाइंस बन जाती है मैम। का कलर क्या होता है जिस पे ब्लैक सा कलर होता है? यस मैम ब्लैकिश सा। और ये किन कंडीशंस में बनते हैं, किन लोगों में ज्यादा बनते हैं मैम? ये हार्ट का इंफेक्शन, मैनुअल वर्कर्स, इंफेक्शन वर्कर्स होते हैं। कौन माइंड व्हाट इज ल्यूकोनाइकिया मैम? इसमें स्पॉट्स वाइट पैचेस बन जाते हैं, डोर से पेयर हो जाते हैं, वाइट पैचेस बन जाते हैं इसमें ठीक है। और किस कंडीशन में? क्या ये नॉर्मल भी होते हैं? यस मैम, यस मैम, मैम ठीक है। और पिटिंग ऑफ नेल्स मैम? इसमें टाइनी डेंट्स बन जाते हैं फिंगर्स के ऊपर, सोरियासिस के पेशेंट्स वगैरह में होता है और एक्जिमा में पेशेंट्स में होते हैं ठीक है। अच्छा व्हाट आर ओस्लर नोड्स मैम? इसमें पेनफुल दैट लियंस बन जाती हैं, परमानेंट स्नेजेस ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या बन जाता है मैम? इसमें मैम ऑटो इम्यून होती है, ऑटो इम्यून जिसमें जॉइंट्स स्वेलिंग होती है मैम, दैट डीजेनरेटिव डिजीज है मैम। थ्री स्टेप डिफॉर्मिटी होती है और टोन नेक ठीक है मैम। स्मॉल जॉइंट्स मोस्टली स्मॉल जॉइंट्स में होती है। हर बर्डन नोड्स और बुचर नोड्स में डिफरेंस मैम? एक ऑस्टियोआर्थराइटिस में बनते हैं और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैम। हर बर्डन में जो होता है वो टर्मिनल इंटरफेरेंस जॉइंट्स में होता है और बुचर्स में जो होता है वो प्रॉक्सिमल में होता है, बोनी बम्प्स के ऊपर होता है वो। अच्छा पामर एरिडीमा पढ़ा था हमने, क्या होता है जो फुली डिस्टर्ब हो जाती है तो वो टेंडन जो है वो टाइट हो जाता है जिसकी वजह से हमारे क्लॉ लाइक हैंड बन जाता है और वो कॉन्ट्रैक्चर होता है उधर, जिसकी अल्कोहल के पेशेंट्स में कॉमन होता है ठीक है। तो अब ये सब आपको बेसिकली उसके बाद आज जो हमने सारी चीजें पढ़ी है ना वही पॉइंट्स थे ठीक है। लिम्फ नोड्स और नेक के, एक्सिला के, ग्रोइन के और फीट। तो ये बच्चों आपका एक टेम्पलेट है।
अब आपको जब भी कभी रिटर्न में आ जाए ना कि आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना है, अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाती हूँ आपकी बुक का, और ये सारे बच्चों ने आज ये फॉर्मेट देखना है अपनी बेड साइड से, बच्चों इस तरह लिखना है अपना एग्जामिनेशन, आप लोग ये याद कर लो ताकि कोई भी आपको कहे ना कि हाँ आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन आप राइट डाउन करें, आपको एक पैटर्न पता होगा, ये बुक का रिकमेंडेड पैटर्न। ये है बच्चों राइटिंग आउट रूटीन एग्जामिनेशन, आप देखें अब आपने इससे पहले अब आपने लिखा है, बट अब आपने क्या करना है, पेशेंट के पास आप गए, आपने उससे अपना इंट्रोडक्शन करवाया, ये बात हर बच्चे के बायो में मैंने नोट करनी है अगर मैं हुई वहां पर, कि मैंने ये बात बताई थी क्लास में कि आपने अपना इंट्रोडक्शन भी देना है और पेशेंट से कंसेंट भी देना है, वट एवर यू आर डूइंग टू द पेशेंट, आप जो भी कर रहे हैं पेशेंट, आपको एग्जामिनर कह रहे हैं आप इंस्पेक्शन करें, पैल्पेशन करें, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें, हिस्ट्री लें, आपने पेशेंट को बताना है कि आई एम गोइंग टू एग्जामिन यू, या मैं आपकी हिस्ट्री लेना चाहती हूँ, विल यू गिव मी परमिशन, आपने उससे परमिशन लेनी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने लिखना जब स्टार्ट करना है ना, ऐसे मेंशन करना है, एन इल लुकिंग ओल्ड मैन या फीमेल लाइंग इन द बेड, ठीक है, ही इज ऑफ नॉर्मल हाइट एंड बिल्ड एंड फुली कॉन्शियस, ये बच्चों है हमारी पेट लाइन, अगर यहाँ फीमेल होगी तो आपने फीमेल का शी मेंशन करके और फिर उसके बारे में बताना कि वो फीमेल, ठीक है। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर इसकी जगह पर अगर आप नेम, एज, उसका जेंडर, डेट ऑफ एडमिशन भी मेंशन कर दो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये एक लाइन लिखना ना ये ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इसके आगे आप मेंशन कर दो कि शी इज ऑफ 60 ईयर्स ओल्ड एंड हर डेट ऑफ एडमिशन इन द फीमेल वार्ड इज, फॉर एग्जांपल आज की डेट 22 जून 2021। मैम ये लाइन क्या बच्चे क्या कह रहे हो आप, ये लाइन किधर लिखनी है हमने बच्चों, जब आपको दिया जाता है ना कि आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को लिखो, आपसे कोई एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आप मुझे बताओ आकर, आप उसको आप वो आपको कहते हैं कि पेशेंट आपके सामने, आप आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करके लिख के मुझे दिखाना है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग स्टाइल, ठीक है। तो फिर आप अपने वहां पे जो शीट्स होती है ना उसके ऊपर लिखते हो, क्योंकि कुछ एग्जामिनर होते हैं वो नहीं करवाते, वो आपको कहते हैं आप लिखो, वो चेक करते हैं कि बच्चे ने वो फॉर्मेट को प्रॉपरली फॉलो किया या नहीं किया। अब आप मैं ये बता रही हूँ, अब आपने उसका नेम अगर नहीं भी मेंशन किया, आपने लिख दिया कि एन इल लुकिंग ओल्ड मैन या फीमेल, और बता दिया कि शी इज ऑफ 60 इयर्स ओल्ड, और हर डेट ऑफ एडमिशन इन द हॉस्पिटल या इन द फीमेल जनरल वार्ड इज 22 जून 2021, जस्ट आपने लिख दिया। अब आप जिस दिन वाइवा के लिए आओगे, जिस दिन आपका वाइवा होगा, अगर आपको कोई लिखने के लिए कहता था तो आपने उसी दिन की डेट लिखनी है, क्योंकि आप तो अभी पेशेंट को देख रहे हो ना, तो आपने उसी दिन की डेट मेंशन कर दी। अब आपने ये लाइन वाइज करने, पल्स लिख कर आगे उसकी पल्स जितनी आएगी वो लिखनी है, ठीक है। इसी तरह उसका ब्लड प्रेशर लिखना है, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर। अब बच्चों सीक्वेंस वाइज सारे पॉइंट्स कवर करनी है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की है, ये सारे पॉइंट्स पैलर, साइनोसिस, जॉन्डेंस, क्लबिंग, कोलिनोकिया, स्प्रिंटर हेमरेजेस, ल्यूकोनेकिया, ऑस्लर नोड्स, हरबर्डन नोड्स, बुचर्ड नोड्स, इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स, हैंड डिफॉर्मिटी, हैंड साइज शेप, पामर स्वेटिंग, एरिडेमा, ड्यूपिटेंस कॉन्ट्रेक्चर, ये सारे पॉइंट्स उसके किससे रिलेटेड थे, हैंड्स यानी अपर एक्सट्रीमिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब वो आते हैं फेस के ऊपर, पेरीऑर्बिटल एडिमा आईज के ऊपर देखिए एब्सेंट, प्रोप्टोसिस नहीं थी एब्सेंट, स्किन रैश नहीं था एब्सेंट। अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हो, लाइक अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट की नहीं, उसके जो कलर ऑफ स्क्लेरा था ना वो उसका थोड़ा पेल था, आप यहाँ मेंशन कर दो कलर ऑफ स्क्लेरा, बट इन अ सीक्वेंस मैटर, ठीक है। आपने फेस में जरूरी नहीं है कि आप फेस में सिर्फ ये पॉइंट्स, हमने जो पढ़े हम कर सकते हैं अगर हमें पेशेंट पे नजर आ रहा है, लाइक आपको लग रहा है कि नहीं पेशेंट का तो कलर ऑफ स्क्लेरा पेल है, तो आप मेंशन करो कि कलर ऑफ स्क्लेरा इज पेल, इज इक्वल टू डाल के पेल लिख दो आगे, उससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने असेस किया है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसके तो लिप्स के अंदर थोड़ी सी ब्लूइश अपीयरेंस है, आप लिखो कलर ऑफ लिप्स इज इक्वल टू ब्लूइश अपीयरेंस,
जो चीज एब्सेंट है वो एब्सेंट लिखनी है, जो चीज प्रेजेंट है वो लिखनी है, और वहां पेशेंट ऐसा होगा जिसमें कोई ना कोई एक साइन होगा ऐसा। हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट बिठाया हो तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन उसके उस पे आए, नोट्स पे आए, तो आप नोट्स पे लिखोगे वो प्रेजेंट है और बाकी सारी चीजें एब्सेंट है, नहीं हमें नजर आई। ये एक फॉर्मेट है, इसको हमने इसी तरह फॉलो कर। इसी तरह बच्चों अब आप देखो, आपने सारा कुछ लिख दिया, आपने हैंड्स का कर दिया, आपने फेस का कर लिया, आईज का हो गया, अब वो नेक पे आ गया, पैरोटिड ग्लैंड को देख लिया उन्होंने पहले, देन वो थायराइड पे, ठीक है। अब वो ये इस पेशेंट का हो सकता है जिसका उन्होंने हिस्ट्री लिखी हुई है, वो कह रहे हैं कि डिफ्यूजली एनलार्ज्ड, नॉन टेंडर था, नो ब्रूइंग ऑडिबल, कि हमें कोई साउंड सुनाई नहीं दी। आपने भी इस तरह मेंशन कर दिया। अगर फॉर एग्जांपल उसका थायराइड नॉर्मल है तो आपने लिख दिया थायराइड इज इक्वल टू नॉर्मल इन कंसिस्टेंसी, नॉन टेंडर, नो ब्रूइंग ऑडिबल। नेक्स्ट बच्चों हमें नेक वेन्स का बताना कि नेक वेन्स उसकी इंगोर्ज नहीं थी। देन आपने लिम्फ नोड्स का, अब लिम्फ नोड्स में आपने चेक किया वन बाय वन, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स चेक किए, एक्सिलरी चेक किए, ठीक है। नॉट पेल्पेबल का मतलब ये होता है कि वो नॉर्मल है, अगर पेल्पेबल हो ना तो इट मींस कि ये तो एबनॉर्मल है, मतलब वो अपने साइज से थोड़े इतने ज्यादा एनलार्ज हुए हैं कि वो पेल्पेट है बॉडी सरफेस के ऊपर। एंकल एडिमा प्रेजेंट था, उसने आगे ये भी बताया कि एंकल एडिमा पिटिंग था या नॉन पिटिंग था। फॉर एग्जाम्पल आपके पेशेंट में जो था वो एंकल एडिमा नहीं था, वो नॉर्मल पेशेंट था, तो आपने कहना है एबसेंट। देन आपने लास्ट में डिहाइड्रेशन स्टेटस मेंशन कर देना है कि मेरा पेशेंट डिहाइड्रेटेड नहीं था, वो नॉर्मल था। मैंने बताया था कि डिहाइड्रेशन के कुछ साइंस होते हैं, कि पेशेंट थोड़ा एंशियस होता है, थोड़ा फटीग उसकी लुक होती है, ये सारे हमने उस दिन ठीक है। तो बच्चों ये बेसिकली एक आपका पैटर्न है, इसी पैटर्न से आप लोगों ने लिखा है। बट फेस के अंदर जो मैंने बताया ना, दो से तीन पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो अगर आपको अपने पेशेंट में लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब आपको पता चला है कि मैंने तो ग्रोइन एरिया के जब लिम्फ नोड्स को पैल्पेट किया था तो वो तो मुझे एनलार्ज आए, देन आपने इस हिस्ट्री के अंदर ग्रोइन लिम्फ नोड्स को मेंशन करना है। आपने बाकी सारे लिम्फ नोड्स को एब्सेंट कर देना है कि वो नहीं पैल्पेबल थे, लेकिन आपने मेंशन करना है कि मुझे मास फील हुआ यहाँ, उसके आगे आपने मेंशन करना। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मेट के अंदर? नो मैम। किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी बच्चों मैम, ये थायराइड वाला थोड़ा सा रिपीट कर दें कि अगर नॉर्मल हो तो ये हमने एनलार्ज नहीं लिखना ना, ये लोन लिम्फ नोड्स का थायराइड। हाँ बच्चे, थायराइड में मैंने ये करना है कि आपको बताया कि अगर वो थायराइड ग्लैंड आपका नॉर्मल होगा ना तो आपने उसके आगे लिखना है कि वो नॉर्मल इनकंसिस्टेंसी था, मतलब वो नॉर्मल था, ठीक है। आपको वो थायराइड ग्लैंड में ऐसी कोई एबनॉर्मली एनलार्जमेंट स्ट्रक्चर नहीं नजर आया। यहाँ पे तो उसने मेंशन किया है ना कि वो डिफ्यूजली इनलार्ज्ड है, थोड़ा सा मुझे इनलार्ज लग रहा है। लाइक अगर हो सकता है कोई पेशेंट वहां पे बैठा हो, उसको थोड़ा सा गोइटर हो, तो आपने मेंशन कर देना कि हाँ इनलार्ज था, और ब्रैकेट में लिख देना कि मुझे लग रहा था कि गोइटर है, ठीक है। okay, फिर उसके बाद आपने उसकी जाहिर सी बात आपने इंस्पेक्शन की, आपने पैल्पेशन भी की, ठीक है, और पैल्पेशन के बाद आपने ऑस्कल्टेशन भी की। ऑस्कल्टेशन पे आपको कोई मरमर नहीं, कोई ब्रुई मतलब उसकी साउंड नहीं थी, देन आपने मेंशन करना है कि नो ब्रुई ऑडिबल, ठीक है। जो चीज आपको लग रही है कि पेशेंट को ये है प्रॉब्लम, वो आपने जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में लिखते जाना है। लेकिन बच्चों इसका पैटर्न और इसका इसका सीक्वेंस एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रखना है। पेशेंट का बताना है कि वो क्या है, कौन है, उसका डेट ऑफ एडमिशन क्या है, देन उसके वाइटल्स मेंशन करने हैं। फिर आपने उसके सारे वाइटल्स मेंशन करने के बाद आपने उसकी हैंड्स की बेसिक, हाँ ये भी हो सकता है, आप बेसिकली यहाँ पे पेशेंट तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ये मैं अपना आपसे केस डिस्कस कर रही हूँ कि जब हम लोग स्टूडेंट्स होते थे ना तो हमें ये बताया जाता था कि लाइक पेशेंट आपका आईसीयू में भी हो सकता। अब बच्चों आईसीयू पेशेंट की जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन डिफरेंट हो जाती है, ये जस्ट आपको एक नॉलेज देने के लिए कि वहां पे आप क्या चेक करते हो, फिर वाइटल्स और सारी चीजें तो आपकी ऑटोमेटिकली आ रही होती हैं, वो आप नोट कर लेते हो। वहां पे पेशेंट आपके साथ इतना कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, ठीक है। अब वहां पे आपने क्या चेक करना है, पेशेंट का जीसीएस,
पढ़ाया था ना मैंने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, हाँ ग्लासगो कॉमा स्केल, टोटल इसका स्कोर कितना होता है 15 और जीरो हो सकता है स्केल? No, never be zero. Minimum 3 होता है. 3 होता है. 3 होता है minimum. और इसका motor response क्या होता है? 6. ठीक है. और इसका verbal response? 5. और eye opening? 4. ठीक है. बच्चों अब आपने जो ICU bounded patient होता है ना उसका आपने बाकी vitals तो check कर दिए. एक आपने उसमें GCS assess करना होता है और सेकंड बच्चों आपने उसमें उसकी लाइंस देखनी होती हैं. अब लाइंस क्या, कौन सी लाइंस? अब ऑब्वियसली पेशेंट आपका आईसीयू में है, उसको ड्रिप्स होंगी अटैच, आपने देखना है कि उसको आईवी लाइन क्या अटैच है. ठीक है, आपने देखना है. नॉर्मली आप अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट को ना इंट्यूबेशन में भी गए होते हैं, इंट्यूबेटेड ट्यूब्स भी डाली होती है उन्होंने कुछ पेशेंट्स के अंदर. बेसिकली वो जो ट्यूब्स होती है ना वो उनके माउथ से इंसर्ट या कुछ की नेजल से भी एंटर की होती है उन्होंने, उन ट्यूब्स का भी हमने बताना होता है कि आपका पेशेंट, मेरा पेशेंट इस स्टेट में था. फिर आप ये भी बताते हो कि उसको ड्रिप्स अटैच थी, आईवी लाइंस उसको लगी हुई थी. फिर उसकी समटाइम्स आपने शायद कभी आप लोगों ने देखा हो, कभी वैसे ही अगर आप लोग हॉस्पिटल में किसी आईसीयू पेशेंट को देखा हो तो उसके नेक के साइड पे भी कुछ कोई नीडल इंसर्ट उन्होंने की होती है. किसी ने कभी देखा ऐसा पेशेंट? Yes, ma'am. बच्चों वो बेसिकली पता क्या होता है, वो उसकी सीवीपी लाइंस होती हैं. ये सेंट्रल वीनस प्रेशर उसका असेस किया जा रहा होता है. होता पता क्या है कि हमारे जो पेशेंट कार्डियक फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं ना, वो उनमें डायरेक्ट उनका जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो असेस नहीं हो रहा होता. तो हम डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो उनकी सीवीपी से ना, ये उनकी जो इंटरनल जुगुलर वेन होती है जो हमने आज मेथड पढ़ा था, ये कार्डियोवास्कुलर में आपको डिटेल से बताएंगे कैसे पेशेंट को असेस करते हैं हम. वहां पे ना उनकी एक नीडल इंसर्ट करके ना वहां पे एक लाइन ऐड कर देते हैं बॉडी के अंदर, वहां से डॉक्टर्स को ना उनका सेंट्रल वीनस प्रेशर असेस हो रहा होता है. तो ये नॉर्मली कार्डिक फेलियर के पेशेंट्स में, तो हम वहां पे उस लाइन को भी बताते हैं कि उनकी सीवीपी लाइन भी अटैच. ये मैं आईसीयू बाउंडेड पेशेंट का. फिर आपने अक्सर देखा होगा कि पेशेंट के फिंगर्स के साथ पल्स ऑक्सीमीटर अटैच होता है. देखे कभी पेशेंट ऐसा? Yes, ma'am, वो चुप्पी की तरह लगा होता है. हाँ, वो क्लिप लाइक क्लिपर अटैच होता है. तो वो बेसिकली समटाइम पेशेंट को, अगर आपके आईसीयू पेशेंट को ईसीजी लीड्स अटैच होती हैं कुछ कार्डिक पेशेंट्स को, वो उनकी 24 आवर्स मॉनिटरिंग कर रही होती है उनके जो बेसिकली आपकी ये जो कार्डिक होती है ना वेव्स, उनकी मॉनिटरिंग हो रही होती है कि अब उसकी वेव का साइज क्या और क्या नहीं, वो सारी लाइंस चल रही होती हैं. ये कभी हमारा इंशाल्लाह अगर हॉस्पिटल विजिट हुआ ना, और अगर मेरे साथ आप लोग हुए तो मैं आपको आईसीयू में स्पेसिफिकली ऐसे पेशेंट्स बताऊंगी कि उनमें ये सारी लाइंस अटैच होती हैं. और वो पेशेंट्स में बेसिकली जब हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे आईसीयू पेशेंट में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करना ज्यादा मुश्किल होता है. बिकॉज नॉर्मल पेशेंट तो हमारा बहुत कोऑपरेटिव होता है, लेकिन आईसीयू वाला पेशेंट ना तो कोऑपरेट करेगा, हमने उसी को खुद ही असेस करना और सारा चेक करना है. ठीक है, और फिर आईसीयू बाउंडेड पेशेंट के अंदर बच्चों हम लोग खास तौर पे जो चीज देखते हैं ना वो ये भी चेक करते हैं कि उसका यूरिन बैग अटैच है या नहीं अटैच. दैट इज मच इम्पॉर्टेंट, और बच्चे भूल जाते हैं ये देखना. नॉर्मली तो पेशेंट आपका इस तरह का हो नहीं गा वाइवा में, लेकिन अगर कोई वैसे आपसे पूछ ले तो आपने उसका यूरिन बैग चेक करना है, क्योंकि वो हमारा वो पेशेंट है जो मोबाइल नहीं है, उसको बैग अटैच होगा. चेक करना है सीपी का पेशेंट. किस, कौन सा पेशेंट? सेरिब्रल पाल्सी का. सेरिब्रल पाल्सी के जो होते हैं ना चिल्ड्रंस, वो अपनी इनिशियल लाइफ स्टेजेस के अंदर उनमें यही कंडीशन होती है. और इसके अलावा बच्चों जो ये कार्डिक फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, या फिर ये जितने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं जिनमें आपके लंग के अंदर कोई ट्यूमर बना होता है या कोई, इन सबको बेसिकली बैग्स अटैच होते हैं. तो हमने बेसिकली बॉडी की इंस्पेक्शन करनी होती है और देखना होता है कहाँ कहाँ पेशेंट को क्या अटैच है. ये आपके आईसीयू पेशेंट की एक डिटेल जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया. इसको बताने का यहाँ पे पर्पस ये था
कि अगर कभी आपसे कोई पूछ लेना कि आपके पास एक नॉर्मल पेशेंट नहीं है, आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है, अब आप कैसे उसको करोगे असेस, तो आपने ये बताना कि सबसे पहले ना हम उसके वाइटल्स चेक करेंगे एंड देन, क्योंकि आप उस पेशेंट को ना तो अपना अपना इंट्रोडक्शन कराते हो ना उससे कंसेंट लेते हो, क्योंकि पेशेंट तो कॉन्शियस ही नहीं ना, वो तो अनकॉन्शियस है. देन आप उसका GCS असेस करोगे, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखोगे, पेशेंट कितना आपके साथ है या बिल्कुल ही वो 3 पर है इस वक्त. देन अगर 3 पे है तो सारी फाइंडिंग्स आपने करनी है. अब ऐसे पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम्स नहीं हमें पता चलेंगे, ऐसे पेशेंट का जो साइंस है ना वो डॉक्टर्स ने असेस करने है. यहां तक क्लियर है सबको सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया? यस मैम. ज्यादा मुश्किल तो नहीं हुआ? नो मैम. नो मैम. आई थिंक सो के ऐसा तो नहीं होता कि मैं कभी कभी ज्यादा डिटेल में या कुछ आपको ऐसी बातें भी, मतलब मेरे ख्याल से कुछ ये थोड़ी इंटरेस्टेड हैं चीजें, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में हो तो ये ज्यादा आप लोगों को लगेगा कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है. हम पेशेंट्स को जब देखते हैं ना तो हमें ज्यादा होता है कि अच्छा ये भी अटैच है और ये हम सब चीजें देखते हैं. यस मैम, मैंने देखे हैं. ठीक है, जिस जिसने तो देखे हैं तो वेल एंड गुड है, और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं देखा वो इंशाल्लाह जब हम हॉस्पिटल रोटेशंस पे जाएंगे तो अगर मैं हुई साथ तो मैं लाजमी आप लोगों को ICU में कोई एक पेशेंट पे ये सारी चीजें जो है ना वो हम देखेंगे. ठीक है, वहां पर. जी बच्चों, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो मैम. ठीक है बच्चों, हिस्ट्री आज हम एक जो है ना हम हिस्ट्री देखते हैं, उसको आप अभी सुन लो आज, बाद में किसी स्टूडेंट ने उसको नोट करना है या कुछ करना है तो वो कर सकता है. बच्चों सबसे पहले आ जाता है नेम पेशेंट का. ठीक है, ऑब्वियसली आप यहाँ पे सपोज नेम लिखोगे, कोई सा भी नेम लिखो. ठीक है, उसकी एज भी आप सपोज लिखोगे, लाइक राउंड अबाउट ऑफ 40, 30, 32, 35 ये लिखोगे. ठीक है, उसका सेक्स, उसका जेंडर लिखोगे, बेसिकली वो मेल है या फीमेल. बच्चों पेशेंट नंबर अपनी मर्जी से 4, 3, 5, 6, 7, 8 कोई भी डाल, नो इशू. डिपार्टमेंट में ना अगर वो मेल पेशेंट है तो जस्ट ये लिख दो कि वो ना आपने फीमेल वार्ड से लिया. ओ सॉरी, अगर मेल है तो जनरल मेल वार्ड से, अगर फीमेल है तो फीमेल वार्ड. या अगर एक आधा पेशेंट कोई आपको ऐसे भी लग रहा है कि उसकी कोई हिस्ट्री ऐसी है कि आपने इमरजेंसी से लिया तो आप इमरजेंसी लिख दो, या फिर आप हो सकता है कि आपने हिस्ट्री OPD से ली हो तो आप OPD लिख दो. डिपार्टमेंट का मतलब ये कि आपने बेसिक हिस्ट्री कहाँ से उठाई है अपने पेशेंट्स के लिए. ठीक है, फिर आगे आपने डेट मेंशन करनी है. अब डेट भी आप एज्यूम डालोगे, ऑब्वियसली इस मंथ की कोई डेट डाल दीजिएगा क्योंकि हमने हिस्ट्री इस मंथ में ली है ना, तो हम इस मंथ की कोई डेट डाल देंगे. अब नेम ऑफ ड्यूटी डॉक्टर भी आप एज्यूम ही लिखोगे क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा ड्यूटी डॉक्टर था, तो किसी भी डॉक्टर का नाम आप डाल सकते हैं, ये आप पर है. उसके बाद बच्चों प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. अब बेसिकली ना जो आज मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री हम शेयर करती हूँ ना, वो बेसिकली हमारे पास होगी गैस्ट्राइटिस की. ठीक है बच्चों, अब गैस्ट्राइटिस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जस्ट पेन होती है एपिगैस्ट्रिक. आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में बच्चों, मैंने लास्ट टाइम भी शायद बताया था, आपकी क्लास को भी बताया था ना कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में हम क्या लिखते हैं. यस मैम. यस मैम. ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया था कि हमने जस्ट पेशेंट जो हमें उस टाइम पे बता रहा होता है ना कि सबको स्क्रीन शेयर हो रही है. नो मैम. पहले जो आप पढ़ा रही थी वो शेयर हो रही है, जो आपने टेम्पलेट दिखाया. हाँ, ऐसे इतना लोते हैं. फाइल शेयर करती हूँ आपके साथ. आप शो हो रही है सबको स्क्रीन ये परफॉर्मा? यस मैम. यस मैम. अच्छा बच्चों, आप लोगों ने क्या लिखना है कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में ना आप पेशेंट जो आपको बता रहा है, फॉर एग्जांपल आप मुझे एक पेशेंट कंसीडर कर लें, मैं आपको आके ये बताती हूँ कि मुझे एपिगैस्ट्रियम में या मुझे अपने स्टमक में बहुत पेन हो रही है. ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि मुझे, आपने पूछा कितनी देर से पेन हो रही है, मैंने कहा 5 days हो गए हैं, और आपने पूछा कोई और सिम्टम आ रहा है तो मैंने कहा हाँ मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग भी हुई, या मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना थोड़ी सी एंजाइटी फील हो रही थी. मतलब ये जो पेशेंट आपको बता रहे हैं ना वो आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, उनको कभी हम लाइंस में नहीं लिखते, हम जस्ट लिखेंगे पेन इन एपिगैस्ट्रियम कितने डेज से थी, 5 days से थी. या फॉर एग्जांपल पेशेंट आपको कहते हैं कि नहीं मुझे तो स्टमक में पेन है पिछले लास्ट मंथ से, तो 1 month लिख देना.
पेशेंट को लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। देन बच्चों आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में क्या लिखना है कि माय पेशेंट, मैंने उस दिन बताया था, ये सारे बच्चे लाइंस लिखते हैं बेशक, कि माय पेशेंट इज इन, हम यहाँ वॉज भी लिखेंगे क्योंकि हम पास्ट की बात करें ना, अभी तो हम हिस्ट्री नहीं ले रहे जाकर। तो माई पेशेंट वॉज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, कितने महीने पहले की वो बात कर रहा था कि मैं था, वो कह रहे 5 days पहले मैं था, तो हमने लिख देना 5 days बैक। वेन ही और शी स्टार्टेड हैविंग माइल्ड टू मॉडरेट, लाइक हमने बता दिया कि पेन उसको इतनी थी, माइल्ड टू मॉडरेट पेन इन द। अब बच्चों एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के अंदर एपिगेस्ट्रियम का वर्ड यूज कर सकते हो, आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में कभी भी मेडिकल टर्म्स नहीं यूज करते। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस हमेशा लेमैन लैंग्वेज में लिखते हैं, आसान लैंग्वेज में, कि कोई भी आपका वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़े ना तो वो समझ सके कि डॉक्टर ने क्या लिखा। ये बात समझ आ रही है सबको? मेडिकल टर्म्स हम हमेशा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में लिखते हैं फॉर द मेडिकल स्टाफ। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हम कभी भी बच्चों मेडिकल टर्म्स नहीं लिखेंगे, हम कभी भी जॉन्डेंस को ना प्रेजेंटिंग इलनेस में मेंशन नहीं करेंगे, हम हमेशा जॉन्डेंस को लिख सकते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में, हम हमेशा साइनोसिस को प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में लिखेंगे, हम कभी भी हिस्ट्री ऑफ, यानी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हमने कभी भी उस ऑर्गेन का भी इवन नाम मेडिकल टर्म का यूज नहीं करना। लाइक हम पेशेंट को एपिगेस्ट्रियम कभी नहीं लिखेंगे, हम एपिगेस्ट्रियम की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, एब्डोमेन, ये जनरल वर्ड है। स्टमक यूज कर सकते हैं, अगर उसको डायरिया की कंप्लेंट आती तो स्टमक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बच्चों? यस मैम। देन बच्चों आपने ये लाइन लिखने के बाद ना, माय पेशेंट वाज इन यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ, कितने डेज पहले था, 5 days अगो, व्हेन ही स्टार्टेड हैविंग माइल्ड टू मॉडरेट पेन इन द एब्डोमेन, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों हमने पेन के बारे में दो लाइंस लिखी हैं कि हर पेन इज एग्रीवेटेड ऑन टेकिंग मील्स, वो कहती मैं खाना खाती हूँ ना तो मुझे पेन ज्यादा हो जाता है। ऑब्वियसली जो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट होगा ना, वो जब भी खाना खाएगा ना तो जब भी उसका एम्प्टी स्टमक में उसको कोई पेन फील नहीं होगी, ठीक है। लेकिन उसको जब वो खाना खाएगी या वो हैवी मील्स लेगी, आप ये भी लिख सकते हो कि हर पेन इज एग्रीवेटेड ऑन टेकिंग स्पाइसी फूड्स और हैवी मील्स, आपने उसका बता दिया एक फैक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स के बारे में मतलब लिखा। हाँ, उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर्स कि उसको वो जो दर्द है वो पेन उसको ज्यादा कब हो रही है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये लिखना है कि अगर उसको रिलीव होती है, लाइक वो कहती है कि हाँ मैं थोड़ा सा अपना वॉक कर लेती हूँ तो मुझे रिलीव हो जाती है, या फिर वो ये कहती है कि मैं खाना खाने के बाद जो है ना वाटर इनटेक ज्यादा कर लेती हूँ तो मुझे रिलीव हो जाती है, तो आपने लिख देना है कि शी इज हैविंग या शी इज बींग रिलीव्ड ऑन टेकिंग या ऑन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इस तरह का आपने एक सेंटेंस बना के ना, कि उसके रिलीविंग के बारे में भी आपने एक प्रॉपर इंग्लिश का सेंटेंस बना के लिखा। उसके बाद आपने अपनी हिस्ट्री खत्म कर देनी। अब बच्चों इसमें अगर पेशेंट को सिर्फ ये तो नहीं ना हो सकता कि पेशेंट कहे कि मुझे पेन ही है सिर्फ एपिगेस्ट्रियम में, हो सकता है वो कह रहा है कि मुझे डायरिया भी है, ठीक है। अब आपने डायरिया का वर्ड यूज नहीं करना, आपने कहना वॉमिटिंग थी उसको वहां पे, तो उसको वॉमिटिंग की कंप्लेन भी थी, जैसे आपने मेंशन किया कि पेन थी उसको एब्डोमेन के, आगे आपने मेंशन करना शी इज आल्सो एक्सपीरियंसिंग या एक्सपीरियंस कर रही थी या उसको था हैविंग वॉमिटिंग इश्यू फ्रॉम द लास्ट सेम 5 days, उसको ये भी कंप्लेन थी। आपने पेशेंट की बात को उसकी उसी की टर्म्स में ना, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस का बच्चों मतलब ये होता है कि पेशेंट की बात को उसी की लैंग्वेज में आपने प्रेजेंट कर देना। देन मैंने उस दिन बताया था डायबिटीज मेलिटस, किसी एक चीज को आप यस कर देना बाकी सबको नो कर देना, गायनेकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट नहीं है तो आपने नॉट सिग्निफिकेंट लिखना, ऑपरेशनल हिस्ट्री पेशेंट की नहीं थी नॉट सिग्निफिकेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कराया नॉट सिग्निफिकेंट, अदर्स में नॉट सिग्निफिकेंट, ड्रग ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पेशेंट कह रहा था कि हाँ मैंने ना
मतलब एनसिड्स लिए थे, ठीक है? आपको पता है कि एनसिड्स लेने से भी पेशेंट को गैस्ट्रिक का इशू हो जाता है. आपने लिख देना कि पेशेंट इज टेकिंग एनसिड्स, ड्रग हिस्ट्री में आप लिख दें, मेंशन कर दें. पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री से मतलब ये होता है कि बच्चों पेशेंट स्मोकर नहीं था, पेशेंट जो था ना उसकी ईटिंग हैबिट्स नॉर्मल थी, ये उसकी पर्सनल हिस्ट्री से रिलेटेड होता है. तो पेशेंट कह रहा था कि मैं ना तो स्मोकर हूँ, मैं खाना भी टाइम से खाता हूँ, मुझे कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो इट मीन्स कि पर्सनल हिस्ट्री उसकी सिग्निफिकेंट नहीं है. फैमिली हिस्ट्री में कोई फैमिली डिजीज तो नहीं है, वो कह रहा है कोई नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पेशेंट कह रहा है कि मेरा नॉर्मल है, ठीक है? तो ये सारी चीजें जब वो कहेगा ना नॉर्मल है, तो उसके बाद आपने आ जाना है उसके सिस्टमैटिक रिव्यू भी दिया हुआ ना यहाँ पे. बच्चों जो बेसिकली सिस्टमैटिक रिव्यू है ना उसमें सीवीएस, अब देखो आपके गैस्ट्राइटिस के पेशेंट को सीवीएस का तो कोई इश्यू नहीं होगा ना, तो आपने लिख देना नील. सीएनएस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर उसे कोई हाइपरटेंशन हो, जैसे नॉर्मल लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, हाँ, तो फिर आपने मेंशन करना है सीवीएस में, ठीक है? नॉर्मली पेशेंट के आप ना, क्योंकि आप गैस्ट्राइटिस की हिस्ट्री ले रहे हैं ना, तो सीएनएस में भी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब जीआरटी में है उसको, तो आपने लिखते ना कि जीआरटी में उसको प्रॉब्लम थी, रिस्पायरेटरी में भी थी नहीं थी, जेनेटो यूरिनरी में पेशेंट से आपने पूछ लेना है कि उसको यूरिनेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, एंडोक्राइन हिस्ट्री, हॉर्मोन्स बेसिकली उसके नॉर्मल थे, तो ठीक है नील आपने कर देना. अब बच्चों जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ आ जाना है, उसका नेम मेंशन करना है, एज मेंशन करनी है, जेंडर मेंशन करना है, डेट ऑफ एडमिशन. अब जनरल फिजिकल अपेयरेंस में थोड़ा सा बता देना है कि हाँ मेरा पेशेंट नॉर्मल अपेयरेंस का था, फिजिक भी नॉर्मल थी, कॉन्शियस था मेरे साथ, पार्टिसिपेट कर रहा था, और पोस्टर भी उसका, पल्स रेट भी आपने, ये ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेटरी, ये सारा कुछ जीसीएस आपने पेशेंट का 15x15 लिखना है. और ये सारी चीजें ना, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, क्योंकि आपका पेशेंट नॉर्मल है ना, गैस्ट्राइटिस में तो उसको ऐसे इश्यू कोई नहीं हो सकता, वाइटली स्टेबल है, तो नॉर्मली लिखना है. अब ये जो लिखा ना फेस, सिमेट्री, आपने लिख देना सिमेट्री के आगे नॉर्मल, कलर ऑफ स्किन नॉर्मल, कलर ऑफ स्कैरा नॉर्मल, ये सारे नॉर्मल करते जाना है, ठीक है? पैलर नहीं था, पेरिओर्बिटल एडिमा नहीं था, ये सारी चीजें नॉर्मल आपने करती जानी है, ठीक है? अब हमें था गैस्ट्रिक के बारे में इशू, तो इसमें कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं आ रही थी, सारी चीजें नॉर्मल थी, आपने पेशेंट्स के आगे नॉर्मल लिख देना, ठीक है? इन सारों रेफर्ड बेसिकली ये होता है, मैम एब्सेंट नहीं लिखेंगे जी, मैम एब्सेंट नहीं लिखेंगे, मतलब जो नोट्स हैं हर बर्न नोट वगैरह उसमें आगे एब्सेंट भी लिख सकते हो, हाँ एब्सेंट भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों चीजें ना है, ठीक है? रेफरल आपने रेफर्ड के आगे लिख देना है कि नो रेफरल केस, ठीक है? जहां पे सिग्नेचर ऑफ ड्यूटी डॉक्टर है ना, वो अभी आप किसी का मत कीजिएगा. मैम सिग्नेचर में क्या मेंशन करना है? जी बच्चों क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम. सिस्टेमिक रिव्यू में जीआईटी में एक्सप्लेन करेंगे कि वो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट था. हाँ बच्चों थोड़ा सा ना उसको बता दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा लाइट सा उसको बताना है वहां पे, क्योंकि आपने हिस्ट्री में पूरा बता दिया ना, तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जस्ट उसका इशू लिख दो, उसको पेन ऑन एपिगैस्ट्रियम है. मैम बाकी सिस्टम एब्सेंट है तो नील लिखेंगे? हाँ नील लिखेंगे, ठीक है? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम. यस मैम. ठीक है बच्चों, फिर हम अब नेक्स्ट क्लास जो है ना, अपकमिंग हमारा फ्राइडे को लेक्चर होगा, तो वो इंशाल्लाह उसमें मैं आपके साथ प्रॉपर ना, मैं कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी कि इन हिस्ट्रीज के अंदर ना कुछ हिस्ट्रीज फिल ही कर दूं, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए. फिर बच्चे जो है ना, जी महनूर आपका क्वेश्चन है. मैम आप कह रही थी प्रेजेंटेशन के जो पॉइंट्स हैं वो आपने कुछ बताने थे. यस मैम, प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स मैंने ये बताने थे कि जो प्रेजेंटेशन है ना वो एक तो हर बच्चे ने अपनी इंडिविजुअल बनानी है, ठीक है? सेकेंड ये है कि बच्चों आपकी वीडियो जो है ना वो अगर आपकी 7 to 8 minutes यानी 10 minutes तक भी है तो ओके है, कोई इसमें इशू नहीं है. बस ये है कि आपने मुझे अपनी वीडियो के साथ अपनी जो स्लाइड्स हैं वो भी शेयर करनी है, मेरी आपने जीमेल पे सेंड करनी है, और प्लस जो मैंने 7 points दिए हैं ना, हर बच्चे ने वो 7 points के 7 points करने हैं. ये मुझसे काफी बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि मैम सिर्फ 8 point करना है या 2 points करने हैं, 3 points करने हैं. नहीं बच्चों, सारे पॉइंट्स हर स्टूडेंट ने 7 points करने हैं. आपस में आप लोग डिस्कशन कर सकते हो कि हम क्या कंटेंट ऐड करें या क्या ना करें, लेकिन हर बच्चे की अपनी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन होगी. प्लस ये है
कि आपने स्लाइड्स भी शेयर करनी है और वीडियो भी शेयर करनी है, ठीक है? जी किसी का कोई क्वेश्चन? मैम आप काइंडली ये बता देंगी कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मेंशन करनी है? बच्चों जो जनरल प्रोटोकॉल्स होते हैं ना जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के, उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ एथिक्स होती हैं, कुछ हम प्रोटोकॉल्स लेते हैं, तो वो बेसिकली आपने मेंशन करनी है। लाइक हम कहते हैं ना कि हम पेशेंट की राइट साइड पे अप्रोच करना है, हमने जाना है, अपना अस्सलाम वालेकुम करना है, अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन करना है, आई एम योर डॉक्टर। बेशक आप ठीक है बच्चों। मैम लास्ट डेट बता दें कि कब तक सबमिट करा सकते हैं? बच्चे मैंने आपको डेट जो दी है वहां उस तक आप सबमिट करवाओ। आई थिंक 26 दी है, 26 जून दी है। मैम लॉग बुक तो आपने 27 तक ना, 27 जून आपको दी है मैंने, नहीं 5 जुलाई मैंने प्रेजेंटेशंस के लिए नहीं दी हुई, वो लॉग बुक्स के लिए। प्रेजेंटेशंस आप सबने जो है ना वो मुझे सबमिट करवानी है अपनी 27, आप 27 जून तक सारे अपनी प्रेजेंटेशन सबमिट करा लें, ठीक है? मैं डेट एक्सटेंड भी करता हूं। क्वेश्चन है लेकिन आप लोग एक से दो दो साइज बनेगी मैम जी। जी बच्चे ये जो आपने टॉपिक्स दिए हैं फिर इसकी एक एक दो स्लाइड्स ही बनेंगी मैम? हां बच्चे बनानी एक 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 ही स्लाइड बनानी है, इन सब के टॉपिक्स की एक एक स्लाइड ही बनेगी, वो ऑलमोस्ट 10 टू 11 ही होंगे। इतनी मैंने सोच के दी थी कि आपकी शॉर्ट ही बने, आपका टाइम भी नहीं ज्यादा लगेगा और ऑब्वियसली मिड्स है, एक असेसमेंट की फॉर्म भी हो जाएगी और आप लोग चीजों को रिवाइज भी कर लोगे। मैम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें असेसमेंट टूल मेंशन करने हैं या नहीं? बच्चों करने नहीं है, मेंशन नहीं करने, जस्ट प्रोटोकॉल्स बताने हैं। लेकिन आप बता सकते हो, जब आप बता रहे होगे ना कि आपका है तो आप उसमें मेंशन मत करो, लेकिन आप बता दो कि हाँ हमारे पास असेसमेंट टूल्स होने चाहिए बीइंग अ डॉक्टर या मेडिकल स्टूडेंट। मैम अगर पॉसिबल हो तो 29 तक नहीं बच, और एक्सटेंड नहीं हो सकता बच्चे, यही डेट है ऑलमोस्ट 28 तक हो जाएगा, 28 जून से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपकी असेसमेंट जो है ना वो मैंने चेक भी कर लिया। प्रेजेंटेशन तो बच्चों 10 मिनट का मेरी ही, अगर आप प्रेजेंटेशन खोल के देख लो ना तो उसी में से आपको काफी कॉन्टेंट मिल जाएगा और उसमें से आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएंगे चीजें काफी और आप लोगों को ईजी भी लगेगा वो मेरी प्रेजेंटेशन से। बेशक आप लोग देख लो मैम, स्लाइड्स अगर 14 हो जाए तो खैर है। हाँ बच्चे 14 हो जाए खैर है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो, ट्राई करो कि 12 तक ना हो, उस 12 से ज्यादा ना हो। पहला इंट्रोडक्शन का पेज और लास्ट वाला थैंक यू का पेज भी है ना, तो इसी फॉर्मेट में बनानी है कि मतलब मैम जरूरी है प्रेजेंटेशन जो है वो हम सारा लिखें, बुलेट पॉइंट्स काफी होंगे और बाद में हम उसको एक्सप्लेन कर दें। हाँ काफी है, बुलेट पॉइंट्स लिख के आप एक्सप्लेन कर दो, कोई इशू नहीं है इसमें। 5 मिनट से ज्यादा भी हो सकती है ना मैम? हाँ हो सकती है, हमने कहा 10 मिनट तक जा सकते हैं। 10 मिनट सिर्फ 10 मिनट का मतलब है 10, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने इस तरह के क्वेश्चन ही नहीं दिए जो बहुत ज्यादा हो, ठीक है? मैम जो नेल फाइंडिंग वाला क्वेश्चन है उसमें हमने टेस्ट भी लिखना है? बच्चे नहीं, नेल फाइंडिंग वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें आपने जस्ट नेल्स की फाइंडिंग लिखनी है, सिर्फ बतानी है सिर्फ कि ये क्या क्या साइंस होते हैं, किन किन लोगों में होते, बस। जी मैम ठीक है, ठीक है। मैम स्लाइड आपके लेक्चर से बना सकते हैं क्या स्टूडेंट? क्या आप क्या आपका क्या क्वेश्चन है मैम? प्रेजेंटेशन आपकी स्लाइड से बना सकते हैं या गूगल से? हाँ बच्चे आप मेरी साइड से बना सकते हैं, लेकिन उससे कंटेंट ले लीजिएगा, लेकिन बैकग्राउंड वगैरह अपना रखिएगा, ठीक है? उसमें आपको हेल्पिंग मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन कुछ डायग्राम्स या पिक्चर्स आप नेट से ऐड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? फिर हम आज का लेक्चर जो है ना वो अपना ऑफ करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपके साथ हिस्ट्री डिस्कस करूंगी और होपफुली जो है ना वो आप लोगों को फिर उसका ज्यादा क्लियर हो जाएगा फॉर्मेट, ठीक है स्टूडेंट्स? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।